हार्ड डिस्क स्थिति में अलौकिकता और विभिन्नता का परिवेशन है हमारे जीवन के पर इस आलोक में आलोकित हो पर प्रदर्शित हो अस्तो मा सदमय तमसो मा ज्योतिर्मय ज्ञान का दीपक अनवरत चलता रहे इस आनंद के साथ ही मैं संगीत विभाग से अनुरोध करती हूँ सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें Thank you.
और संगीत विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर दीपाल श्रीवास्तव, डॉक्टर सोमलता, डॉक्टर अजय चौधरी एवं श्री मनोज कुमार जी को बहुत बधाई। सभी छात्राएं बधाई के पात्र हैं। छात्राएं करिश्मा श्रीवास्तव, रिया वर्मा, वंदना निषाद, एंटी सविता, नीरजा, कीर्ति, कल्याशी, वैष्णव एवं गांधी, आप सभी को नमस्कार। सरस्वती वंदन के बाद अतिथि वंदनी, अतिथि देवो भव, यह हमारी भारतीय संस्कृति की सिर्फ परंपरा ही नहीं, हमारी पहचान है। और इस पहचान और परंपरा के अनुपालन में माँ सरस्वती की वंदना के पश्चात हम अपने अतिथि जनों का वंदन करेंगे। अतिथि जनों के स्वागत का सिलसिला शुरू किया जाएगा। प्राचार्य मैं से अनुरोध करती हूँ, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर राजीव चौधरी सर को पुष्पमाल देकर स्वागत करें। और यह कार्यक्रम हाइब्रिड मोड में है, ऑनलाइन जो भी श्रोता और दर्शक तरीके से जुड़े हैं सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इस उद्घाटन सत्र के विशिष्ट वक्ता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फिजिकल एजुकेशन विभाग के प्रोफेसर एवं डीन प्रोफेसर तारिक मुर्तजा सर से का स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर ममता गंगवार मैम से अनुरोध करती हूँ। महाविद्यालय में इतिहास विभाग की प्रोफेसर एवं चीफ प्रॉक्टर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस संगोष्ठी में। सर बहुत बहुत अभिनंदन। आरबीडी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर त्यागी, प्रोफेसर पारुल त्यागी मैम का स्वागत करने के लिए मैं प्रोफेसर प्रतिभा श्रीवास्तव मैम, हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइकोलॉजी, कृपया आप मंच पर आएं और त्यागी मैम का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है। यह अत्यंत हर्ष एवं गौरव की बात है कि डीएवी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अरुण दीक्षित सर हमारे बीच मंचासीन है। मैं डॉक्टर दीपाली निगम, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिकल एजुकेशन और को कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस सेमिनार, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ सर का स्वागत और अभिनंदन करें। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाविद्यालय की प्राचार्य और इस संगोष्ठी की संयोजिका प्रोफेसर अंजू चौधरी मैम का स्वागत के लिए मैं प्रोफेसर कल्पना श्रीवास्तव मैम से अनुरोध करती हूँ, कृपया मंच पर आएं और मैम का स्वागत करें।
My mouth about one so I got it. स्वागत का ये सिलसिला अभी जारी है। एक बार पुनः संगीत विभाग से मैं अनुरोध करूंगी सभी मंचासीन अतिथियों के सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत करें।
संगीत विभाग और संगीत विभाग की सभी छात्रों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सभी मंचासीन अतिथियों के शुभ आगमन पर महाविद्यालय स्वागत करता है। इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी सीनेट की बैठक में व्यस्त हैं। बैठक के पश्चात वो ऑनलाइन इस संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। तब तक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा और स्वागत के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव और स्वागत को संपूर्णता प्रदान करने के लिए मैं प्रिंसिपल मैम से अनुरोध करती हूँ सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। प्रिंसिपल मैम हमेशा कॉलेज के एकेडमिक शैक्षणिक निरंतर विकास के लिए छात्रों को एक बेहतर शैक्षणिक परिवेश और पर्यावरण देने के लिए हमेशा समर्पित रहती हैं। उनका समर्पण ही उनकी शक्ति है, उनकी सहजता ही उनकी मूल ताकत है और इस आयोजन में उनकी केंद्रीय भूमिका रही है और हमेशा उनकी प्रेरणा से ऐसे आयोजन हमें हो रहे हैं। उनके आने के पश्चात हर साल हर वर्ष महाविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है और छात्रों के विकास हेतु हमेशा ही शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मैं मैम आपसे अनुरोध करती हूँ सभी मंचासीन अतिथियों के सम्मान में अपना वक्त दें और मैं कुमारी आस्था से अनुरोध करती हूँ मंचासीन सभी अतिथियों को बैच से अलंकृत करें। माँ शारदे के चरणों में शत शत नमन। और आज की इस पावन बेला पर, शुभ अवसर पर, जब हम एक राष्ट्रीय संगोष्ठी अपने महाविद्यालय में ICSSR के तत्वाधान में आयोजित कर पा रहे हैं, ऐसे उनका ना होते हुए भी हो सकता है वो हमारे बीच अभी ऑनलाइन उपस्थित हो जाएंगे, तो मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री राजीव चौधरी जी, डॉक्टर राजीव चौधरी जी का मैं हृदय से अभिनंदन, स्वागत, वंदन करती हूँ। साथ ही अलीगढ़ से आए मुर्तजा सर, डॉक्टर मुर्तजा जी का अभिनंदन, स्वागत। RBD कॉलेज बिजनौर से पधारी प्राचार्य मैडम डॉक्टर पारुल त्यागी मैडम का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत व वंदन। कानपुर नगर में हमने बहुत कॉलेजों में सभी में लगभग अपना आज का ये उद्घाटन सत्र का स्वागत निमंत्रण पत्र भेजा था, लेकिन ये बहुत ही हर्ष की बात है कि एकमात्र प्राचार्य हमारे बीच मौजूद हैं। उनका सब करतल ध्वनि से मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्रोफेसर अरुण दीक्षित जी, बहुत बहुत आभार और स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज का जो संगोष्ठी का विषय है, भारतीय युवा को उनकी चेतना को जागृत करने से संबंधित है। जैसे कि भारत ने अभी G20 इतना बड़ा कार्यक्रम की अध्यक्षता करके दुनिया भर में अपना परचम लहराया है, उसी के तत्वाधान में, क्योंकि किसी भी देश की समृद्धि वहाँ की युवा शक्ति पर निर्भर करती है और ये युवा आज क्या किसी भी युग में युवाओं में अथाह ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। समस्या यह है कि वो ऊर्जा जा किस तरफ रही है, उसे एक सही पथ मिले, उसे सही दिशा मिले, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार द्वारा समय समय पर चलती रही हैं, चलाई जा रही हैं। और युवा हमारा देश का कर्णधार होता है किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए। उससे संबंधित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सभी उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि भारत का युवा कौशल के साथ अपनी शिक्षा को लेकर अग्रसर हो,
उसमें कोई ना कोई ऐसा कौशल होना चाहिए जिससे कि न केवल वो अपनी जीविका का उपार्जन कर सके बल्कि देश हित में भी कुछ अपना योगदान अवश्य दे सके, जिससे कि हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। और उसी अग्रसर पथ से हमें उन्होंने एक सपना दिखाया है कि 1947 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर है, और उसी सपने को साकार करने के लिए ये संगोष्ठी एक मुख्य नहीं तो एक छोटा सा, जैसे सागर में मोती की बूंद वर्षा की बूंद होती है, उस तरह का एक प्रयास मैं समझ रही हूँ कि हमारी संगोष्ठी युवाओं में वो संदेश दे सके कि उनमें कितनी ऊर्जा है और उसको किस किस दिशा में कैसे हमें प्रवाहित करना है, कहाँ हमारे लिए वो अवसर हैं जो हमें अपने जीवन में आगे ले जाने हैं। इस संगोष्ठी से जो विचार मंथन होगा, जो अपने अपने सभी वक्ता अपना उद्बोधन रखेंगे, जो पत्र पढ़े जाएंगे, जो शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे, उन सभी में कुछ ना कुछ ऐसा सारवर्थक कार्यक्रम होगा कि हम उससे कुछ ना कुछ ऐसा प्राप्त करेंगे सभी युवा जो इससे जुड़ेंगे, और वो आपस में एक एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ते जाएंगे, समाज में एक ऐसा संदेश इसके माध्यम से हम प्रेषित करना चाह रहे हैं कि युवाओं की शक्ति को सही दिशा मिले, सही मार्ग मिले। इसी सागर की में एक बूंद का कार्य करने वाली ये संगोष्ठी इसी विचार को लेकर आयोजित की गई है, और मेरी अवधारणा है, मेरी ये उम्मीद है, आकांक्षा है, आशा है कि हमारा ये प्रयास, हमारे विद्वत जनों जो हमारे स्पीकर रहेंगे अलग अलग टेक्निकल सेशन में, उससे ये निश्चय ही फलीभूत होगा, सार्थक होगा, लाभदायी होगा। इन्हीं आकांक्षाओं, उम्मीदों और आशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और पुनः अपने महाविद्यालय प्रांगण में पधारे सभी अतिथियों का, हमारे कॉलेज की सभी प्रोफेसर बहनों का और छात्राओं का भी स्वागत करती हूँ, और मीडिया बंधु जो अलग अलग समाचार पत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। मैम का बहुत बहुत आभार। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। भारत की 68-68% आबादी 15 से 64 वर्ष के बीच में है, और युवा किसी भी देश के सबसे सशक्त संसाधन होते हैं, लिहाजा भारत संपूर्ण विश्व में सबसे सशक्त संसाधन वाला देश है। वन अर्थ, वन फ्यूचर एंड वन फैमिली, यह संपूर्ण विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। G20 का यह मोटो था, उद्देश्य था भारत की संस्कृति में और इस धरती पर। आज से हजारों साल पहले वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष हुआ, और आज जब संपूर्ण विश्व में कई देश जंग से पीड़ित हैं, वसुधैव कुटुंबकम को बार बार याद किया जाता है। भारत में भी बार बार मुड़कर वसुधैव कुटुंबकम को सामने लाया जाता है। अब पूरा विश्व मुड़ मुड़कर भारत को देखता है। यह भारत के आने वाले समय में एक नेतृत्व का अवसर है कि युद्ध, और Y20 का एक मोटो भी है, युद्ध से सुलह, शांति, क्योंकि विकास के साथ साथ एक समानांतर जो चुनौती चलती है वह विश्व शांति और मैत्री है। विकास का अगर 100% लाभ हमें लेना है तो संपूर्ण विश्व में वसुधैव कुटुंबकम को तो कायम करना ही होगा, और यह करना भारत के हिस्से में आता है, क्योंकि सबसे पहले पूरी दुनिया में भारत ने इसका उद्घोष किया था, विश्व मैत्री और विश्व शांति। क्योंकि जंग तो किसी मसले का हल नहीं है, जंग तो स्वयं एक मसला है। इसीलिए जंग टलती रहे तो बेहतर है।
हमारे हम सबके आपके आंगन में एक क्षमा जलती रहे तो बेहतर है, या Y20 का एक उद्देश्य भी है और इस संगोष्ठी का सौभाग्य है। और हमें गर्व की अनुभूति बोलते हुए हो रही है कि मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर राजीव चौधरी सर मंचासीन हैं। राजीव सर का वक्तव्य हो इसके पहले मैं चाहती हूँ कि पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम संपन्न हो जाए। इस संगोष्ठी में आए सभी शोध पत्रों, शोधार्थियों के शोध पत्र, डेलीगेट्स और जितने विषय विशेषज्ञ हैं सभी के शोध पत्रों का प्रकाशन किया जाएगा। प्रकाशन की प्रक्रिया चल रही है। इंडिया इमर्जिंग इशूज चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। यह पुस्तक शैक्षणिक विमर्शों की दुनिया में हमेशा ही रेखांकित किया जाएगा क्योंकि शैक्षणिक विमर्श के मुख्य बिंदु इस पुस्तक में प्रकाशित किए जाएंगे और पुस्तक एक दीप की तरह है जो हमेशा राह दिखाती है। इसलिए पुस्तक प्रकाशन कमेटी और मुख्य रूप से मैम, प्रिंसिपल मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अतिथि जनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। महाविद्यालय में किसी भी राष्ट्रीय शोध अकादमिक संगोष्ठियों का आयोजन प्रबंध तंत्र और प्रबंध समिति के सहयोग से संभव ही होता है। प्रबंध समिति के पूर्व महामंत्री, दयानंद शिक्षण संस्थान के पूर्व महामंत्री स्वर्गीय डॉक्टर नागेंद्र स्वरूप जी के आदर्शों पर चलना इस महाविद्यालय का ध्येय है। वर्तमान में महाविद्यालय की संरक्षक और प्रबंध समिति की सबसे सक्रिय सदस्य माननीय श्रीमती कुमकुम स्वरूप मैम एवं प्रबंध समिति के सचिव श्री गौरविंद स्वरूप जी के अथक प्रयास और समर्थन से ऐसे संगोष्ठी आयोजित होते हैं। प्रबंध समिति के सबसे लोकप्रिय और सक्रिय सदस्य माननीय श्रीमती अनंता स्वरूप मैम और को का ऑनलाइन जुड़ने की संभावना है। मैम का और ऑनलाइन जुड़े सभी डेलीगेट्स का बहुत बहुत स्वागत है। और अब आरी है मुख्य अतिथि के, मुख्य वक्ता के कीनोट स्पीकर के रूप में प्रोफेसर राजीव चौधरी सर हैं, उनके वक्तव्य का उनका वक्तव्य हो। उससे पहले ये कार्यक्रम का तकाजा है कि उनके व्यक्तित्व के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं से मैं सबको रूबरू करूं। प्रोफेसर राजीव चौधरी सर पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर में फिजिकल एजुकेशन के डीन और प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर चौधरी का देश के बाहर भी कई देशों में शैक्षणिक सेवाएं रही हैं और उन्होंने कई बेहतरीन यूनिवर्सिटी में अपनी शिक्षाएं दी हैं। जॉन ब्लूगोज यूनिवर्सिटी जेस्तोचोवा पोलैंड में भी आपने अपनी शैक्षणिक सेवाएं दी हैं। ट्रियर यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज जर्मनी में भी आपने अपना योगदान दिया है। आपके 100 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हैं। 21 PhD आपके सुपरविजन में पूरी हो चुकी है जो एक रिकॉर्ड है। 17 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं और 800 से अधिक आपके व्याख्यान अब तक दिए जा चुके हैं। आपने कई देशों की शैक्षणिक सेवाएं भी, यात्राएं भी की हैं जिनमें श्रीलंका, पोलैंड, जर्मनी और सिंगापुर शामिल है। सर आपको पाकर हम बहुत गौरवान्वित हैं और मैं समझती हूँ इस विषय को विस्तार देने और आधार रखने के लिए आप
इस संगोष्ठी को अपना बेहतर दे पाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कृपया संगोष्ठी को संबोधित करें। सर का विषय है युवा एवं मानसिक स्वास्थ्य, आगे की चुनौतियाँ एनपी के विषय संदर्भ में। सर के लिए एक बार सभी जोरदार तालियां बजाएं। महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर अंजू चौधरी, मेरे मित्र और शैली शिक्षा के प्रगाढ़ विद्वान जो यहाँ रिसोर्स पर्सन के रूप में उपस्थित हैं, प्रोफेसर सैयद तारिक भट्टुजा जी, रिसोर्स पर्सन ऑफ दिस सेमिनार, आदरणीय प्रिंसिपल प्रोफेसर पारुल त्यागी जी, ये कॉलेज अदर डिपार्टमेंट्स, मीडिया पर्सनल्स एंड डियर स्टूडेंट्स, एट द वेरी आउटसेट आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय सिंसियर थैंक्स टू ईच एंड एवरी यूनिट एसोसिएटेड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। दो तीन प्रश्न मैं विद्यार्थियों से पूछूंगा, पहला, आप किस भाषा में सुनना पसंद करेंगे, इंग्लिश, हिंदी और एन मिक्स लैंग्वेज, किस भाषा में सुनना पसंद करेंगे? हिंदी। मेरी बात से आप सहमत होंगे, कुछ ऐसे शब्द हैं जो इंग्लिश में समझना आसान है, बड़े जटिल प्रकृति के शब्द होते हैं, उनकी इंग्लिश में बात होगी, लेकिन आई स्पीक इन हिंदी और थोड़ा थोड़ी बातें बीच में शामिल हूँ। एक और प्रश्न जो कि सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों से, निरंतर दो शब्द हैं, निरंतर जागरूकता के साथ मेरी बात को कितनी देर तक सुनेंगे, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरा, क्योंकि आई विल प्रोसीड एज पर योर एक्सपेक्टेशन, जो आपकी अपेक्षा है उस अनुरूप मैं आगे बढ़ूंगा। दो शब्द है निरंतर जागरूकता, सुनने को सुनना पड़ेगा, वो तो बाध्यता है, प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, स्ट्रिक्ट हैं, वो तो आपकी बाध्यता है, लेकिन जागरूकता भी है, निरंतर जागरूकता के साथ कितनी देर बताइए, कितनी देर? कितनी देर? 30 मिनट्स, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, मैं अपनी बात 30 मिनट्स में नहीं रख पाऊंगा, लेकिन बेशक बच्ची ने कहा, बालिका ने कहा कि 30 मिनट सब निरंतर जागरूकता के साथ सुनेंगे, उदाहरण व्यंगात्मक है लेकिन सत्य है, यदि ब्रह्मा जी भी मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म ले, वो निरंतर जागरूकता के साथ 30 मिनट नहीं सुन सकते, उसके बाद जो हमारी ग्रहणशीलता है, जो ग्रेस्टिंग एबिलिटी है, दैट रिड्यूसेस 99, 98, 97, और एक ऐसा समय भी आता है कि जब आपकी ग्रहणशीलता 0% होगी, और वो अनुसंधान शोध रिसर्च की भाषा में कहा जाता है रिजेक्टिंग टाइम, हर व्यक्ति विशेष टाइम है, कोई एक घंटे में रिजेक्टिंग टाइम में प्रवेश करता है, कोई आधे घंटे में करता है, तो कोशिश करेंगे कि कोई भी बालिका रिजेक्टिंग टाइम में प्रवेश नहीं करे, ठीक, तो कम से कम 30 मिनट बाद होगी, तो वो आपके चेहरे बताएंगे, आपके फेसेस बताएंगे कि आप रिजेक्टिंग टाइम में हैं या नहीं है, अगर रिजेक्टिंग टाइम में रहे तो बात को समाप्त करेंगे, नहीं तो थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं ना, व्यवहारिक बात होगी, केवल थ्योरेटिकल बात नहीं होगी, ऐसा नहीं कि केवल मैं एक व्यवहारिक बात नहीं करते, केवल एक बुक्स बात करें, एक किताबों की बात करें, ऐसा नहीं है, जिनका एक व्यवहारिक उपयोग है हमारे जीवन में, जिन बातों को हम व्यवहारिकता में उतार, जितने भी इश्यूज हैं आज के युवाओं के, वो सब की बात होगी। शुरू करें, वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट यूथ एंड मेंटल हेल्थ। युवाओं की समस्याएं कोई एक समस्या तो है नहीं, दुनिया भर की समस्याएं हैं, सभी समस्याओं की चर्चा इस सीमित समय में किया जाना संभव नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की समस्याएं हैं, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, देयर इज़ ए लॉन्ग लिस्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्कस अबाउट ऑल इश्यूज़ इन द लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आई विल स्ट्रेस ओनली ऑन वन इशू इन डिटेल, एक क्षेत्र की विस्तार से बात करेंगे,
क्षेत्र आप सबके सामने, यूथ एंड मेंटल हेल्थ चैलेंजेस एंड प्रिवेंशंस। मुद्दे तो हम सब जानते हैं, लेकिन मेन है कि चैलेंजेस क्या क्या हैं और प्रिवेंशन कैसे, उनका रोकथाम कैसे हो, और हम अपने जीवन में, युवा अपने जीवन में किन उपायों को अपनाएं जिससे कि इस मेंटल हेल्थ के उच्चतम शिखर तक को प्राप्त कर पाएं। तो शुरू करते हैं कहानी को, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मैं अपनी बात आप तक ठीक प्रकार से पहुंचा पाऊं तो इस पूरे प्रस्तुतिकरण को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे तथ्यों पर कुछ आधारित बात। प्रिंसिपल मैडम ने और मैडम दीपाली ने जब मुझे आग्रह किया, आई वॉज अबाउट टू डिलीवर दिस लेक्चर ऑन ऑनलाइन मोड, पहले ये लेक्चर मेरा ऑनलाइन मोड में था तो मेंटली अलग तरह से प्रिपेयर था, अचानक उन्होंने कहा नहीं, एक शारीरिक रूप से आपको उपस्थित होना है तो अलग तरह की बातें करनी पड़ी। तो उसके लिए आई हैव गोन थ्रू द सेवरल रिसर्च स्टडीज़, जो जितने भी एक उच्चतम शिखर के शोध पत्र हैं जो युवाओं पर आधारित जो बातों पर शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं, तो उनसे कुछ तथ्यों का एकत्रीकरण किया गया है, उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरे भाग में बात करेंगे जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। मेरी आवाज़ वैसे सुनेगी आपको? Yes, क्योंकि ये मेरा ध्यान अधिक इस पर रहेगा, बोलने पर कम रहेगा, तो बिना माइक के बात करते हैं। ठीक, तो जिस क्षेत्र की बात करने वाले हैं उस क्षेत्र को जान तो लें कि स्वास्थ्य का की अवधारणा क्या है और मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है, उसके बारे में विस्तार से करेंगे। और तीसरे भाग में बात करेंगे बॉडी माइंड कनेक्शंस, बॉडी एंड माइंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। 17वीं शताब्दी में कुछ और मान्यताएं थी, आज के दिन कुछ और मान्यताएं हैं, क्योंकि शरीर का और मन का, शरीर के मन का एक गहरा संबंध है, सेपरेबल नहीं है, पृथक नहीं किया जा सकता। कैसे नहीं किया जा सकता? परिकल्पना पूर्ण उदाहरणों के साथ उसकी चर्चा करेंगे। अगले भाग में बात करेंगे रेमेडीज फॉर प्रिवेंशन, कि अगर किसी व्यक्ति विशेष को, किसी भी बालिका को किसी भी प्रकार की अगर मानसिक व्याधि उत्पन्न हो रही है तो उसकी रोकथाम कैसे करें, उसका उपचार कैसे करें। उन ये डिस्टर्ब कर रहा है ना, बीच बीच में बंद हो जा रहा है, ठीक ऊपर लग रहा है, इसलिए ध्यान रहे उन सब उपायों की बात करेंगे। अगले भाग में बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ऐसा इंक्लूजन है जो हमारी मेंटल हेल्थ को भी पर भी प्रभाव डालता है। कुछ उन बातों की बात करेंगे जो सरकार ने, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में किन किन बातों की बात की है। और अंतिम बार बाय इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, जब तक कोई भी व्यक्ति विशेष एकीकृत विकास अपना नहीं करेगा, अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक नहीं रख सकता। तो पहले भाग से शुरू करते हैं कुछ तथ्यों पर आधारित बात। आई हैव टेकन दीज फैक्ट्स, इन तथ्यों का एकत्रीकरण विभिन्न शोध पत्रिकाओं से किया गया है, विभिन्न शोध पत्रों से किया गया है, जिनमें से एक मुख्य आपके सामने, जो कि यूथ एंड मेंटल हेल्थ चैलेंजेस अहेड, बहुत ही अच्छा एक शोध पत्र एक लेखक ने प्रकाशित किया, उसका नाम आप सबके समक्ष है। देखिए, जहां डेटा बैंक की बात करें, डेटा बेसिस की बात करें, रेप्यूटेड स्टैंडर्डाइज्ड डेटा बेस स्कोपस है, वेब ऑफ साइंस है, पबमेड है, और बायोमेडिकल रिसर्चेज में तो एक पबमेड का अपना नाम है। इसके अतिरिक्त भी दुनिया भर के डेटा बेसिस हैं, दुनिया भर के डेटा बैंक हैं, लेकिन यह शोध पत्र तीनों डेटा बेसिस पर इंडेक्स्ड है, स्कोपस पर भी, पबमेड पर भी, वेब ऑफ साइंस पर भी। तो इस शोध पत्र में किस प्रकार की बातें की गई हैं, बिंदुवार वी विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक की चर्चा करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं, अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें, इस एक ग्लोबल लेवल पर बात करें, तो 1.8 बिलियन 180 करोड़ लोग, यंग पीपल, जिनकी उम्र लगभग 10 से 24 साल है, वो एक मैडम ने अभी बताया था कि एक पॉपुलेशन के बारे में एक वक्तव्य में उन्होंने भी बताया था कि हमारे देश में भी जो एक अधिक प्रतिशत एक युवाओं का है। तो आगे चलते हैं, कंट्रीब्यूट अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, यदि आज के युवाओं की संख्या पूरे वैश्विक स्तर पर देखें, ग्लोबल स्तर पर देखें, तो 1/4 इस पृथ्वी पर युवा हैं, हम सब जानते हैं इस बात को। एंड 9 out of 10 लिव इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज, जो सबसे महत्वपूर्ण उजागर तथ्य हुआ इस शोध पत्र से, कि 10 में से जितने भी ये हैं युवा हैं, इन 10 में से 9 डेवलपिंग कंट्रीज या गरीब देशों में निवास करते हैं, और हमारा देश भी डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में नहीं है, हम सब जानते हैं। दिस ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डेवलपिंग कंट्री। तो इंडिया हैज़ 356 million 35.6 करोड़ लोग इस एज ग्रुप में हैं,
मैडम ने प्रतिशत में बताया था, लेकिन यदि एग्जैक्ट संख्या की बात करें तो लगभग 35.6 करोड़ लोग आपकी उम्र के हैं, इस एज ग्रुप के हैं। द वर्ल्ड हाईएस्ट डिस्पाइट ऑफ अ स्मॉलर पॉपुलेशन देन इन चाइना, जबकि हमारी जनसंख्या चाइना से चीन से कम है, उसके बाद भी अधिकतम संख्या अधिकतम प्रतिशत हमारे देश की है। द यंग पॉपुलेशन इज ग्रोइंग फास्टेस्ट, और ये तो आज की है, अगर आगे की बात करें तो यह पॉपुलेशन संभावना देश की बढ़ने की है, युवाओं की संख्या बढ़ने की है, घटने की संभावना बहुत कम नजर आती है। अब बात करते हैं, सिंस माय प्रेजेंटेशन इज फोकस्ड ऑन ओनली वन एरिया, अगेन आई रिपीट, दोबारा दोहराता हूं कि जो मेरा प्रस्तुतिकरण है एक क्षेत्र पर केंद्रित है, मेंटल हेल्थ, जो कि सबसे गंभीर मुद्दा है। आप देखेंगे जिससे टॉप संस्थाएं IITs, IIM, AIIMS, उसमें सुसाइड की एक कितनी घटनाएं हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि इल मेंटल हेल्थ, कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ड्यू टू दैट दे लीड टू सुसाइड। तो बात करते हैं मेंटल हेल्थ इन यंग एज। मोस्ट मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस यूज आई मीन डोपिंग, जितने भी ड्रग्स वगैरह एक मादक पदार्थों का सेवन आज का युवा करता है, स्पेशली व्हेन आई वाज स्टूडेंट, जब मैं एक विद्यार्थी था, लगभग 80 से 90 के बीच में जब एक विद्यालय में पढ़ता था, और आई बिलोंग टू स्पोर्ट्स, एक खेल के क्षेत्र से जुड़ा हूँ, तो पंजाब अग्रणी था पूरे देश में स्पोर्ट्स में, पंजाब के सामने किसी भी राज्य का कोई नामो निशान नहीं हुआ करता था, इट इज फैक्ट, ये तथ्य है। लेकिन आप आज सुनते हैं पंजाब का कहीं नाम, बहुत कम है, ना के बराबर। उसका एक ही कारण है, सबसे बड़ा सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, कि पंजाब के पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है, वहाँ के युवाओं ने ड्रग्स लेना शुरू किया, दुनिया भर के नशे करना शुरू किए, और आज जिस राज्य का नाम है खेल के क्षेत्र में, किसका नाम है, हरियाणा का है, ठीक है, लेकिन यह व्याधि वहाँ भी धीरे धीरे उत्पन्न हो रही है, तो आज के युवाओं में, तो कैसे इससे निजात पाएं, उस सब की बात करेंगे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डेज थीम, यदि वर्ल्ड हेल्थ मेंटल हेल्थ डे, अब तो रोज़ कोई ना कोई दिन होता है, बच्चे जानते हैं, रोज़ किसी ना किसी दिवस का आयोजन होता है, तो एक दिन निर्धारण है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के नाम से, उसका जो थीम है यंग पीपल एंड मेंटल हेल्थ इन ए चेंजिंग वर्ल्ड। आगे बात करते हैं प्रिवलेंस ऑफ मेंटल एंड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, अगर प्रिवलेंस की बात करें तो 20-25% यंग पीपल वर्ल्ड वाइड सफर फ्रॉम दिस मेंटल एंड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स। इस विश्व की लगभग 20-25% आबादी इससे पीड़ित है, इस व्याधि से पीड़ित है, जिसको नाम दिया MSUD। आगे बात करते हैं नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के अनुरूप यदि हम बात करें तो इंडिया एस्टिमेट्स प्रेवलेंस एट 7.39%, जो कि आयु वर्ग है 18 से 29 साल के जितने भी एक युवा हैं उनमें यह व्याधि पाई गई है, और 7.3% 13 से 17 साल के एक बच्चों में पाई गई है। ये थी, अब बात करते हैं इसका प्रभाव क्या है, इम्पैक्ट ऑन यंग पॉपुलेशन, इन सब का एक यंग पॉपुलेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो स्वाभाविक सी बात है, प्रभाव पड़ेगा तो नकारात्मक ही पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव तो दूर दूर तक पड़ने की कोई संभावना है ही नहीं। तो एडोलसेंस एंड यंग एडल्ट्स, देखिए अलग अलग पुस्तकें हमें ज्ञान प्रदान करती हैं, लेकिन पुस्तकें कई बार हमें शंकित भी करती हैं, तो वी शुड कंसंट्रेट ऑन स्टैंडर्डाइज लिटरेचर। समय समय पर बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान विदुषिया बब्बर शेर जो पैदा होते हैं, वो पुस्तकों में अपने व्यक्तिगत विचार भी एक प्रकट कर देते हैं, तो आई एम डिस्कसिंग ऑन द बेसिस ऑफ ए स्टैंडर्डाइज लिटरेचर। जो मैं आप सबके समक्ष बात कर रहा हूँ वो है स्तरीय साहित्य पर आधारित, और उस स्तरीय साहित्य के अनुरूप जो कि इंडेक्स्ड है PubMed में, स्कोपस में और वेब ऑफ साइंस में, उस स्तरीय साहित्य में जो एज ग्रुप डिफाइन किया गया है वो है 10 से 29 साल, यानी यंग एडल्ट को। आप कहेंगे कि नहीं, उस पुस्तक में तो एडल्ट को इसी उम्र का माना गया, उसने इस उम्र का माना है, लेकिन यहाँ पर जो बात है एडल्ट शब्द का उपयोग है वो किया गया 10 से 29 साल के बीच की जो आयु अवधि में, जो आयु है किसी व्यक्ति विशेष की, ही और शी इज इन द कैटेगरी ऑफ एडल्ट। तो एडल्ट की बात करें तो ये सबसे अधिक हाईएस्ट बर्डन में है। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जितने भी पैमाने निर्धारित किए जाते हैं, जितने भी नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं स्वास्थ्य संबंधित, वो WHO द्वारा बनाए जाते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं। तो WHO ने डिफाइन किया है
एडोलसेंस को 10 से 19 साल के आयु एज ग्रुप के बीच में, और यूथ एक और शब्द WHO ने यूज़ किया है वो है यूथ, और यूथ की आयु वर्ग दिया है 15 से 24 साल। तो ये ध्यान रहे आयु वर्ग की बात। तो ये मेंटल डिसऑर्डर्स है, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, डेवलपमेंट पर पड़ता है। कैसे पड़ता है विस्तार से चर्चा होगी, अभी तो केवल तथ्यों पर आधारित डेटा बेस्ड इंफॉर्मेशन कि आंकड़ों पर आधारित सूचना की बात कर रहे हैं, उसके बाद व्यवहारिक बात होगी। उसके एजुकेशन, ऐसा नहीं, शिक्षा का क्षेत्र भी प्रभावित होता है हम सब जानते हैं, और वी ऑल आर फ्रॉम एकेडमिक परस्यूट्स, हम सब शैक्षिक पेशे से हैं, विद्यार्थी ने भी आज के दिन एक शैक्षिक पेशे में है, हम सब शिक्षक के रूप में शैक्षिक पेशे में हैं, एंड वी हैव रेस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स आवर एकेडमिक परस्यूट्स, इस शैक्षिक पेशे के प्रति हमारी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व है। अगर इस तरह की व्याधि उत्पन्न होती है वी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म आवर एकेडमिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन एन एफिशिएंट मैनर, तो हम किसी भी अपनी एकेडमिक एक्टिविटी को ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे इस प्रकार की व्याधि से, हम सब जानते हैं। अब एक रिसर्च फाइंडिंग है, देखिए दुनिया भर की रिसर्च फाइंडिंग्स थी, उनमें से एक शोध पत्र को एक का संक्षिप्त जो एक्सट्रैक्ट है, जो प्रस्तुतिकरण है, उस शोध पत्र का आप सबके सामने है, एंड आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल फ्रॉम एन आर्टिकल, और उस आर्टिकल का शीर्षक स्कूल बेस्ड सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम्स। रोज सुनते हैं हम, फेल होगी कोई बच्ची, कोई बच्चा फेल हो गया, सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड करने की सोचते हैं। तो एक सर्वे स्टडी, एक सर्वेक्षण अध्ययन आयोजित किया गया, उस सर्वेक्षण अध्ययन के रिजल्ट्स आप सबके सामने हैं, और यह अध्ययन लगभग 168 स्कूल्स पर आयोजित किया गया, जिसमें 11,110 एडोलसेंट्स सब्जेक्ट्स ने, न्यायदर्श की संख्या थी, उन्होंने इसमें सहभागिता की, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि यूथ अवेयर ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स, उन्होंने दो समूह बनाए, एक समूह था ट्रीटमेंट ग्रुप, एक समूह था कंट्रोल ग्रुप, एक था जिसको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स दिए गए उस स्कूल्स में, और एक ऐसे स्कूल्स का समूह था जिसमें मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं दिए गए। तो इसमें दोनों के बीच में, दोनों समूहों के बीच में सार्थक अंतर पाया गया, और निष्कर्ष था कि सुसाइड अटेम्प्ट्स उन स्कूलों के विद्यार्थियों में प्रतिशत बहुत कम था जिनमें हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स आयोजित किए गए। वहाँ के एकेडमिशियंस ने, वहाँ के मैनेजिंग कमेटी के सदस्य थे या जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन थे उन्होंने। अब बात करते हैं यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, सबसे भारी प्रॉब्लम तो यही है आज के दिन, चाहे बालकों की बात करें, बालिकाओं की बात करें, बालक बालिकाएं क्या, हमारी उम्र तक की बात है, रोज सुबह से शाम तक रील देखने का प्रयास करते हैं, मोबाइल के सामने रहते हैं। डिफरेंट रिसर्च स्टडीज हैज़ बीन कंडक्टेड ऑन यूज़ ऑफ मीडिया, मीडिया के यूज़ पर दुनिया भर के अनुसंधान आयोजित किए गए हैं, और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कितना समय एक बालक या बालिका 24 घंटे में मोबाइल पर, मोबाइल स्क्रीन पर बिताता है। उसके परिणाम सुनकर आप आश्चर्यचकित होंगे, और आप, वी शुड कीप इन द एंटायरिटी ऑफ आवर माइंड, हम अपने मस्तिष्क में पूर्ण रूप से बैठा लें कि मेंटल डिसऑर्डर्स का, मानसिक व्याधियों का जो सबसे बड़े कारण हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा कारण है यूज ऑफ सोशल मीडिया। वी शुड एक्सेप्ट दिस, हमें यह स्वीकार करना चाहिए। अब बात करते हैं उसके कि एन इम्पॉर्टेंट सोशल मीडिया यूज़र ग्रुप इज टीनेजर्स। अगर सभी आयु वर्गों की बात करें, तुलना करें, तो टीनेजर्स सबसे बड़ा ग्रुप है जो सबसे अधिक मीडिया का यूज़ करता है, सोशल मीडिया का यूज़ करता है। जो एक डिजिटल 19 रिपोर्ट्स 2019 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, एक डिस्को की नाम दिया गया डिजिटल 2019 रिपोर्ट्स, उसमें कहा गया कि 7% ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स बिलोंग टू 13 to 17 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, कि जिनमें से जो कि अधिकतर थे 13 से 17 साल की उम्र के थे, और जो ग्लोबल वेब इंडेक्स डेटा कहता है कि 45% जो संख्या है वो है 13 से 17 साल के लोग, और वो एक शब्द देखिए नियर कांस्टेंट बेसिस, यानी कि कांस्टेंट बे, यानी उनका यूज एक जैसा ही है, लगभग लगभग रोज ही उपयोग करते हैं उसका, ऐसा नहीं है कि वो रैंडम बेसिस पर उपयोग करें कि कभी किया कभी नहीं किया, वो कांस्टेंट बेसिस पर सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। टाइम स्पेंड ऑन सोशल मीडिया बाय 16 to 18 ईयर्स ओल्ड एज रेज फ्रॉम 2 hours पर डे, लगभग इस उम्र के विद्यार्थी 16 से 18 साल के 24 घंटे में 2 घंटे कम से कम वो सोशल मीडिया पर रहते हैं एज पर द सर्वे स्टडीज। और दुनिया भर के देशों में यह अध्ययन आयोजित किया, बट आई विल कंसंट्रेट ऑन इंडिया, उसकी बात भी करेंगे कि भारत में हमारी क्या स्थिति है,
बात करें अर्जेंटीना की, बात करें फिलीपींस की, बात करें कोलंबिया की, बात करें रशिया की, बात करें, चार देशों का एग्जाम्पल है। 16 से 18 साल के जो विद्यार्थी हैं लगभग 4 घंटे 24 घंटे में सोशल मीडिया पर व्यतीत करते हैं। अब बात करें यूनाइटेड स्टेट्स में भी यह सबसे अधिक है 70%। और अब बात करते हैं यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड मेंटल हेल्थ इन इंडिया कि हमारी क्या स्थिति है हमारे देश में। 2 बिंदु हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। पहले, इन इंडिया द मेजोरिटी ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स आर टीनेजर्स। जो वैश्विक स्तर पर है, जो ग्लोबल लेवल पर है, वही स्थिति भारत की भी है सोशल मीडिया के यूज के संदर्भ में। यदि हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू 2018 सर्वे, समय समय पर सर्वेक्षण अध्ययन आयोजित किए जाते हैं, उन सब सर्वेक्षण अध्ययनों में से कुछ कहना चाह रहे उन सब सर्वेक्षण अध्ययनों में से 2018 में जो सर्वेक्षण अध्ययन आयोजित किया गया 12 से 18 साल के जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं, इंडियन टीन्स स्पेंड मोर देन 60 मिनट्स ऑन एवरेज ऑन द सोशल मीडिया, जो इस तरह के आंकड़े हैं। लेकिन अब मेन कहानी शुरू होती है। अभी तक तो आंकड़ों पर आधारित कुछ तथ्य आप सबके समक्ष प्रस्तुत किए गए थे केवल एक आधार बनाने के लिए कि मेंटल हेल्थ के दुनिया भर के कारण हैं। उन सब कारणों की बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को प्रभावित करने वाले दुनिया भर के कारक हैं। सेवरल वेरिएबल्स प्ले ए वाइटल रोल फॉर बिकमिंग इल, तो उनमें से कौन कौन से हैं चर्चा करते हैं। उससे पहले स्वास्थ्य का, नाउ द माई स्टोरी स्टार्ट्स, अब मेरी कहानी अब शुरू होती है। और विद्यार्थियों से आग्रह है कि पूरे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, व्यवहारिक बातें होंगी, एग्जाम्पल्स के साथ होंगी, एक परिकल्पनापूर्ण उदाहरणों के साथ। इलस्ट्रेटिव और हर पॉइंट पर बात की गई, ऐसा वक्तव्य अपने बीज वक्ता प्रोफेसर राजीव चौधरी जी का सुना।
जो कि एक सिर्फ व्याख्यान ही नहीं था बल्कि एक जिसको हम कह सकते हैं एक बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन था। और चूंकि उन्होंने इसमें युवा और मानसिक स्वास्थ्य जिसकी चुनौतियों और रोकथाम पर उन्होंने बात की, तो उनका पूरा डायरेक्ट इंटरेक्शन बच्चों के साथ रहा और उन्होंने बच्चों से प्रश्न पूछे और अपने पूरे लेक्चर को उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो भी पॉइंट्स उसके कवर किए। निश्चित रूप से हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जैसे मैं अपने लिए भी कह सकती हूँ कि मैं नहीं जानती थी, पर उन्होंने मेंटल हेल्थ के जिन पॉइंट्स पर बात की, श्लोक का उदाहरण देते हुए, विभिन्न शोध पत्रों का उदाहरण देते हुए और तमाम एक अच्छे लिटरेचर को, साहित्य को उसके अंदर रखते हुए, आपने मेंटल हेल्थ के सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स पर बात की, आपने नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच के प्रभाव पर बात की, साथ ही आपने एक स्तरीय साहित्य का जो पॉइंट आया वो मुझे भी बड़ा एक बहुत अच्छा इस सेंस में लगा कि ये वास्तव में होना चाहिए कि हम जब भी शोध पर बात करते हैं या कोई शोध करते हैं तो जो साहित्य है वो स्तरीय ही होना चाहिए, हम कुछ ऐसा सेलेक्ट करें। आपने यूज़ ऑफ सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी बात की कि हम कितना टाइम उस पर लगा रहे हैं, और वैसे भी ये विषय वास्तव में आजकल मैं सोचती हूँ हर जगह डिस्कस हो रहा है कि किस तरह से जो युवा है वो सोशल मीडिया में खपता चला जा रहा है। इसके लिए एक बड़ा खपता वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ, खपा ही रहता है वो उसमें, कहीं ना कहीं हम उसको नहीं उससे छुड़ा पा रहे हैं, बल्कि अब युवा वर्ग भी क्या ही कहा जाए, मुझे लगता है हर वर्ग का व्यक्ति सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं कैप्चर्ड है पूरे तरीके से। आपने स्पिरिचुअल वेलनेस और इमोशनल वेलनेस की बहुत अच्छे से बात की, आपने जैसे ये बताया कि हम बात सिर्फ फिजिकल मेंटल सोशल वेलनेस की करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम स्पिरिचुअल और इमोशनल को भूल जाते हैं, उस पर उसको उस बात को उठाना अपने आप में काफ़ी जिसको कह सकते हैं एक नया एक पॉइंट था। आपने सुश्रुत संहिता से जो श्लोक लिया उसका मुझे लगता है कि बच्चे इससे लाभान्वित हुए होंगे। एक मुझे बड़ा, मैं जब इसको सुन रही थी तो इम्प्रॉपर मेंटल हेल्थ के जो लक्षण जब आपने बताए तो उस तरफ इम्प्रॉपर मेंटल हेल्थ में भाई ईटिंग टू मच, स्लीपिंग टू मच, किस तरीके से हम सोचते हैं अच्छा खा रहे हैं, अच्छा सो रहे हैं तो बढ़िया ही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपने ऑटोमेटिक और डेलिबरेट जो उसकी बात की, सोच की बात की, बॉडी माइंड कनेक्शंस की बात की, आपने डेवलपिंग सोशल स्किल्स पर स्ट्रेस किया, आपने एडजस्टमेंट्स की बात की, आपने मूलभूत व्यवहार में सुधारों की बात की, क्या कुछ नहीं आपने अपने पूरे व्याख्यान में कवर किया। मैं सोचती हूँ कि आज इस बीज वक्तव्य के द्वारा जिन पहलुओं को खोला आपने, वैसे भी मैं हम इसमें पूरे दो दिन बहुत सारे तरह के टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, तमाम बाहर से लोग जुड़ेंगे और हम में से भी बहुत से लोग इस मंच से बोलेंगे, तो लेकिन ये बहुत सेंसिटिव इशू है कि युवाओं की मेंटल हेल्थ पे कार्य किया जाना चाहिए और Y20 में भी ये बात उठाई गई। और आपने ये स्पिरिचुअल पावर्स की, हालांकि मैं देख रही थी कि आपके पास कहने के लिए और भी बहुत कुछ था पर कहीं ना कहीं समय की सीमा को देखते हुए आपने उसको थोड़ा शॉर्ट किया, पर फिर भी उसके जो एसेंस को, उसके जो अमृत को हम ले पाए। मैं अगला जो लेक्चर होगा प्रोफेसर सैयद तारिक मुर्तजा जी का, मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि वो भी इसी लेवल पर आगे चल के हमें लाभान्वित करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंजू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस रेजिडेंशियल एड्रेस के लिए बुलाया। थैंक यू सो मच। प्रोफेसर पारुल त्यागी मैम का बहुत बहुत आभार। आभार इसलिए भी कि आपने अध्यक्षीय भाषण के लिए आमंत्रण को स्वीकार किया और हमें अनुग्रहित किया। मैं बहुत आपका आभार, और आपने बहुत अच्छे तरीके से अध्यक्षीय भाषण में सारे पक्षों बिंदुओं को समेटा, और एक आखिरी ये रिमाइंडर था कि जो बातें कही गई संगोष्ठी में उसे एक बार फिर से याद किया जाए। संगोष्ठी के में एक अल्पविराम चाय के ब्रेक का है, चाय के ब्रेक के बाद पुनः सभी शीघ्र इस सभागार में मौजूद होंगे।
महो अड़हा सरस्वती प्राचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति। अब हम लोग योग प्रार्थना करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदुकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतांजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहूपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत। अब इत्मीनान से आप पीछे पीट करके बैठ जाएंगे। ये पूरी वंदना प्लस हमारी योग प्रार्थना का वो पार्ट हम लोगों ने ले लिया है। इसे मैं कहता हूँ ये फॉर्मेलिटी स्लाइड होती है नहीं? धन्यवाद बोलना भी है, वक्त भी नहीं है लेकिन बोलना भी है, बड़ी दुविधा है, सोशल डायनामिक्स है, राइट? आप लोग खुद पढ़ लीजिए या मैं बोलूँ इसको, या मैं अंजू जी का धन्यवाद बोलूँ और वो सब करूँ तो, है ना? धन्यवाद का मतलब ही ये है कि हम लोग आए हैं सब लोग यहाँ तक, और धन्यवाद यही है कि हम लोग आए हैं, आपके कॉल पर आए हैं, उसके लिए एक बार और थैंक यू, राइट? ये योग जिसको हम योग के नाम से जानते हैं ना, तो एक तो हम इसको योग के नाम से नहीं जानते। ये हमारा सौभाग्य है कि योग की उत्पत्ति भारत से हुई, ऐसा सब लोग मानते हैं। अभी मैं हाथ खड़ा करने को कहूँ तो आप सब लोग हाथ खड़ा करोगे अपने, राइट और रॉन्ग? राइट। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ से उत्पत्ति हुई है वहाँ पे इसको सही नाम से नहीं पुकारा जाता। अभी मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे कि योगा, बोलते हो ना सब लोग योगा, क्यों बोलते हैं हम लोग योगा? योग संस्कृत का वर्ड है, इंग्लिश का तो वर्ड नहीं है, ये इंग्लिश का है नहीं? ये भी हमारा दुर्भाग्य और ये भी बड़े शर्म की बात है। मेरे लिए तो बहुत शर्म की बात है, मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए बड़े शर्म की बात है कि मेरे घर की चीज़ वेस्ट वाले ले गए, वेस्ट वालों ने कुछ काम किया, जब हमें समझ में आया कि ये अच्छा, तब हमने उसको अपने घर में जगह दी, राइट और रॉन्ग? राइट। उन्होंने बोला योगा तो हमने भी बोला योगा, ऐसे ही है ना, राइट? आज से हमको और आपको इसको जो है वो योग बोलना है। क्या बोलेंगे? हाँ, एक तो हिंदी में होता है योग, खाली योग, एक संस्कृत में होता है। आप लोगों के जाहिर है सभी लोगों ने संस्कृत तो एक लेवल तक पढ़ी, और यहाँ संस्कृत के कुछ टीचर्स भी होंगे, मैंने बोर्ड भी देखा बाहर और एक नोटिस भी चिपका हुआ है संस्कृत के लिए कुछ, तो मैं उसको पढ़ने की भी कोशिश कर रहा था। एनी हाउ, ये इसमें हलंत लगा हुआ है, ये स्वागतम में है नहीं, राइट? जिसमें हलंत लगा होता है संस्कृत में, ये संस्कृत है इस वक्त, हलंत के साथ है, राइट? अभी ये हिंदी में हो जाता अगर हलंत नहीं होता तो, ठीक है? नहीं, हलंत के साथ है तो ये माँ आधा पढ़ा जाता है, अगर ये हलंत नहीं होगा तो क्या पढ़ा जाएगा? माँ, हल्का सा अ की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे उसको, ऐसे ही है ना, राइट? योग में हलंत नहीं लगा गा के नीचे, तो इसको हल्का सा पढ़ते हैं योग। क्या पढ़ते हैं फिर से एक बार और? अरे जोश नहीं है आप लोगों के अंदर, ये बच्चों से मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बहनों से नहीं कह रहा, बहनें तो अपना ठीक है जैसे भी हैं, मस्त है नहीं, राइट? योग, दैट्स इट, है ना? ये जो योग है ये हजारों सालों से हमारे साथ है, हिंदुस्तान में ऐसे ही चल रही है ये लगातार,
जब नहीं चलने दी समाज में, एक टाइम ऐसा भी आया हिंदुस्तान के अंदर जब नहीं चलने दी तो बहुत से योगी जो हैं वो सन्यासी बन गए निगेटिव फॉर्म में, सन्यासी बन गए निगेटिव फॉर्म में। कैसे? वो योग की सारी विधियाँ लेकर के वो गुफाओं के अंदर चले गए, समाज से नाता काट लिया, परिवार से नाता काट लिया, सब चले गए अंदर और पूरा जीवन वहाँ गुजार दिया। फिर उन्होंने, मैं निगेटिव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि असल में योग तो सामाजिक प्रॉब्लम्स को ही सोल्यूशन देने के लिए आया है। ऊपर वाले ने आपको योग के नाम का सोल्यूशन भेजा है ताकि हम और आप अपने सोशल डायनामिक्स डोमेन की चीज़ों का, प्रॉब्लम्स का हल ढूंढ सकें उसके अंदर। लेकिन जब उनकी चलने नहीं दी बेचारों की, तो एक टाइम कभी आया होगा ऐसा 2000-3000 साल पहले कि वो लेकर के चले गए। लेकिन बहरहाल अब फिर एक दौर आ गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी की कोशिशों से एक दौर ये आ गया है कि 2014 में इंटरनेशनल योग डे मनाया जाने लगा। मैं भारत सरकार से जहाँ कहीं भी जाता हूँ, कभी भी आयुष मंत्रालय में जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, तो वहाँ भी मैं उनसे ये कहता हूँ कि इसको योगा कहना बंद कर दो प्लीज़, इंटरनेशनल योगा डे। अरे व्हाट इज़ दिस इंटरनेशनल योग डे, राइट? 2014 से तो कम से कम मनाना शुरू कर दिया, तो साल में 365 दिन में से एक दिन हमने योग को देना शुरू कर दिया, राइट? योग हमको एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन योग को लेकर के ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं कल से योग करूँगा तो आपके फौरन दिमाग में, एट द बैक ऑफ योर माइंड, यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आसनास एंड प्राणायाम एंड क्रिया एंड मुद्रा, और अगर कुछ और थोड़ा बहुत आता होगा तो ध्यान और योग ख़त्म। ऐसा ही है, राइट? मैं आपसे कहूँ कि कल को मैं आसन करूँगा और कुछ प्राणायाम करूँगा, राजीव जी आए हैं मैं उनके साथ, वो सिखाएंगे मुझको कुछ ऐसा, तो आपके दिमाग में फौरन आएगा कि अच्छा ये कल से योग करने के लिए जाएगा। मतलब योग और आसन और प्राणायाम ये एक ही चीज़ हो गए और ये अपने आप में कंप्लीट माने जाने लगे, जबकि आई एम सॉरी टू से ये कंप्लीट नहीं है। योग का एक बहुत छोटा हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, योग का हर हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत छोटा हिस्सा है, पूरा हिस्सा नहीं है। योग के बारे में हठ योग प्रादीपिका के अंदर आता है, राजयोगम विना पृथ्वी, बिना राजयोग के ये पृथ्वी बेकार है। राजयोगम विना निशा, और राजयोग के बिना ये जितना भी कुछ आपको, मतलब रात से उसको बताया गया है, लेकिन असल में जितना भी आप आराम कर रहे हो, प्लेजर ले रहे हो, ये सब मौज मस्ती हो रही है, ये सब बेकार है। राजयोगम विना मुद्रा, और राजयोग के बिना जो है ये जो मुद्रा है, मुद्रा तो अब हम लोग मनी के सेंस में इस्तेमाल करने लगे, हठ योग प्रादीपिका 1500 की है, राइट? उस जमाने में मुद्रा कहते थे वो सील लगाने को, कोई भी चीज़ जो आप फाइनल कर दो और फिर सील लगा दो, राजा की सील ठोक दी जाए उसके ऊपर, तो आप कोई भी काम कंप्लीट कर लो, चाहे कैसा भी काम कंप्लीट करो, सील लगा दो आप उस पर, ख़त्म हो गया, तो वो सब बेकार है। विचित्रापि न शोभते, ये कोई चीज़ें आपको राजयोग के बगैर शोभा नहीं देती, ये सब आप अपनी जीवन गुजार रहे हो। इंसान जो है वो 10 में से 9 हिस्सा जानवर है, 10 में से 9 हिस्सा जानवर है। जैसे जानवर तेज़ दौड़ता है तो हाँप जाता है, हम भी तेज़ दौड़ते हैं तो हाँप जाते हैं, उसको भी एक वक्त के बाद भूख लग जाती है, हमको भी एक वक्त के बाद भूख लग जाती है। ऐसे ही शरीर उसका पास भी है, जैसे हमारे पास है हार्ट, लंग, किडनी वगैरह ये सब कुछ, और फिर उसके बाद एक उम्र आती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर वो बच्चे बड़े होते हैं, फिर वो बच्चों की शादी हो जाती है या नहीं होती है, जैसा भी है वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। 10 में से 9 हिस्सा हम वही हैं, एक हिस्सा हमको इंसान है, और वो हिस्सा हमको जो है वो योग बनाता है, और योग हमारे जीवन में है नहीं। आज की दुनिया में आप नज़र दौड़ा के देखो, नज़र दौड़ा के देखो, मेरे ऊपर कोई मुसीबत पड़ जाती है, 8 बिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं इस धरती पर, लेकिन अगर तारिक मुर्तज़ा के ऊपर कोई मुसीबत पड़ेगी, आप विश्वास करना, तारिक मुर्तज़ा मुसीबत के टाइम में बिल्कुल अकेला खड़ा होगा, कोई उसके साथ नहीं होगा, राइट और रॉन्ग? क्योंकि हमने सीखा ही नहीं है, हमने अर्थमेटिक डोमेन सीखा है, और अर्थमेटिक डोमेन तो यही कहती है कि सब एक दूसरे से, जैसी मुसीबत है तो अलग रहो, राइट? सोशल डोमेन कहता है नहीं, मुसीबत है और चिपक जाओ और लगो साथ में, राइट? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हर इंसान जो है वो अकेला है, क्यों? क्योंकि 10 में से 9 हिस्से पे हम लोग जीवन गुजार रहे हैं। आप देखो एक जानवर की ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, मतलब क्या हमने अच्छा नहाना धोना कर लिया है तो नहाना धोना उनका भी होता है, क्या हमने कपड़े पहन लिए तो हम इंसान हो गए, मतलब आप इस लाइन में बहुत से हो सकते हो, आप बहुत समझदार हैं इस मामले में। मैं आपसे इतनी सी बात सिर्फ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि
हमारी दुनिया के संबंध में युद्ध के योग के मूल आख्यानों पर सवाल उठाएं। योग आज हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में तमाम इंसानियत इस वक्त नर्क की ज़िंदगी गुजार रही है। हमारे आपके पेट भरे हुए हैं। मैं अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ, मुझे कानपुर का नहीं पता। आप कानपुर पे सर्च करोगे तो आप यकीन जानना आपको भी मिल जाएगा, अलीगढ़ के अंदर 2.25 लाख लोग रोज़ रात को भूखे सोते हैं, जबकि तारिक मुर्तज़ा का फ्रिज भरा हुआ है, रात में सोने के बाद फ्रिज भरा हुआ है। 2.25 लाख लोग भूखे सो रहे हैं, है ना मुसीबत में अकेले वो लोग। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये मत समझिएगा कि नहीं मेरे आसपास तो नहीं होता, अभी ढूंढने चलोगे आपके आसपास ही मिलेगा आपको। 3,000 के अराउंड हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, सारा जीवन उनका बस ऐसे ही बिना छत के गुजर रहा है। पैदा भी वहीं हो रहे हैं सड़क के किनारे, बड़े भी वहीं हो रहे हैं, शादी भी वहीं हो रही है, उनके बच्चे भी हो रहे हैं, खाना पीना मरना बीमारी सब सड़क के किनारे उनके। ऐसे 3,000 लोग हैं। मैं 12 लाख की आबादी अलीगढ़ की, 12 लाख की आबादी के बारे में कह रहा हूँ। कानपुर की आबादी तो आप लोगों को पता होगी, इससे ज़्यादा है, और इससे ज़्यादा ही लोग भी जो हैं वो सफ़र करते हुए होंगे, राइट। ऐसे में योग हमको क्या कहता है, क्या हमको योग कुछ कहता है हमको या नहीं कहता, उसके ऊपर हम लोगों की एक लंबी चर्चा है। वो लंबी चर्चा मैं आप लोगों से नहीं करूँगा यहाँ पर। मैंने तो बहुत मूल बातें आपसे करी हैं ताकि दिल में कुछ सवाल जाग जाएं आपके, वरना तो खाने का समय है ये। और जिस वक्त योग भी ये कहता है, योग मालूम क्या कहता है, योग ये कहता है कि पेट भरा है तो फिर पाप क्यों कर रहे हो, यानी कि पेट नहीं भर पा रहा किसी भी वजह से तो फिर जाहिर सी बात है फिर आदमी तरह तरह के काम करेगा जिसको हम गलत काम कहते हैं। लेकिन एक बार पेट भर गया तो फिर जाहिर सी बात है हम सब पेट भरे लोग हैं। इस वक्त खाली है, थोड़ा सा नाश्ता किया है नहीं, इस वक्त खाली है लेकिन है पेट भरे सब लोग, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वर्तमान की जो चिंताएँ हैं हमारी आपकी, हम उससे योग को जोड़ करके देखने की कोशिश करें, हम तब समझ पाएंगे चीज़ों को। देखिए, विदाउट रेफरेंस दुनिया में हम कोई भी चीज़ नहीं समझ सकते। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। बिना रेफरेंस के किसी भी चीज़ को आप समझ नहीं सकती। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हाथ छोटा है या बड़ा है, नहीं आ पाएगा जवाब, इम्पॉसिबल है जवाब देना। क्यों? क्योंकि अभी इसके रेफरेंस में कोई चीज़ लगी ही नहीं है। अभी इसके रेफरेंस में मैं 10 साल के बच्चे का हाथ लगा दूं, अभी फट से जवाब आ जाएगा बड़ा है, या 6.5 फिट के इंसान का लगा दूं तो आप कहोगे कि नहीं ये हाथ छोटा है। मैंने एक बहुत छोटी सी मिसाल दी आपको। देखिए, सोशल डायनेमिक्स की मिसालें ऐसी छोटी छोटी सी हमें समझ में आती हैं सारी, क्योंकि हम जी रहे हैं उन लाइफ को, बस हमारा ध्यान नहीं है क्योंकि ट्रेनिंग हमारे माइंड की वैसी नहीं है। बिना रेफरेंस के कोई भी चीज़ हमको और आपको समझ में नहीं आ सकती। ये हमारी कमज़ोरी है, इंसानों की, दुनिया के हर इंसान की कमज़ोरी है ये। बिना रेफरेंस के नहीं समझ में आएगा, योग भी हमको नहीं समझ में आएगा, इस जीवन के बारे में भी समझ में नहीं आएगा कि ये जीवन आपको दिया क्यों गया है या मिला क्यों है, ये भी आप नहीं समझ सकते जब तक आप उसको रेफरेंस के साथ नहीं जोड़ोगे। बिना रेफरेंस के अच्छाई और बुराई में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक चोर हूँ और बहुत सक्सेसफुल चोर हूँ, और मैं रात में, जाहिर सी बात है सक्सेसफुल चोरी के लिए मुझे रात में 2:30-3 बजे उठना पड़ता है, और फिर उसके बाद लिटरली खून पसीने की कमाई है भाई, भागते भागते पसीना भी आ जाता है, और आप पकड़ लेते हो तो कूट भी देते हो, तो खून और पसीने की कमाई से मैं अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, पोस रहा हूँ, आप क्यों मुझे पीट रहे हो? क्या आप कह रहे हो चोरी करी है? तो भाई खून पसीने की कमाई से है। मैं कह रहा हूँ बिना रेफरेंस के अच्छाई और बुराई में कोई फ़र्क नहीं है, है नहीं भाई। मेरे लिए चोरी अच्छी है क्योंकि वो स्किल मुझे आती है, स्किल हूँ ना मैं, स्किल्ड इंडिया होना चाहिए ना, स्किल्ड है मेरे पास या नहीं है वो स्किल, आप करके दिखाओ। पहले तो सुबह 3 बजे उठ के दिखाओ, फिर रोज़ उठ के दिखाओ, फिर कुटने के बाद भी उठ के दिखाओ, है ना एक बवाल, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बिना रेफरेंस के असल में बात समझ में नहीं आती। रेफरेंस कब समझ में आता है? रेफरेंस हमको तब समझ में आता है जब उस चोर ने जो जमा करके रखा हुआ था 1 लाख रुपया, उसमें से 70,000 आपने चुरा लिए। अब उसे बुरा लगा कि मेरी खून पसीने की कमाई चुरा ली तुमने,
अरे भाई तुम भी तो चुरा के लाए थे किसी का, उसको भी तो बुरा लगा होगा, तब तो तुम कह रहे थे खून पसीने की। राइट, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको रेफरेंस क्या है हमारे आपके जीवन का, है ना। हमारे आपके जीवन का रेफरेंस है, हमको आपको जो है वो भारतीय संस्कृति में एक वो दिया गया है, परोपकारार्थम इदम शरीरम। आपको ये शरीर, ये जीवन आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप परोपकार की ज़िंदगी गुजारो। देखिए इस बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, बीच बीच में कुछ मैं आपको लगेंगी जटिल, है नहीं जटिल, सीधी सीधी सी हैं, लेकिन हमने प्रैक्टिस नहीं करी है पिछले 1500 साल से उस पर, इसलिए जेनेटिक कोड में वो मुश्किल में चली गई हैं। हमारे आपके जीवन का फ़ायदा क्या है, तो हमारा इंटेलेक्ट और हमारा समाज हमको ये कहता है जो कुछ तुम अपने हाथों से कमा लो बस वही है, दूसरा कोई नहीं करेगा। जबकि भारतीय संस्कृति ने आपको सिखाया है परोपकारार्थम इदम शरीरम। हमारे आपके यहाँ मुहावरा भी है कि दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे खुद भी गिरोगे, दूसरे के लिए फ़ायदे पहुँचाओगे तुमको भी फ़ायदा मिलेगा। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, दया करो, ऊपर वाला तुम पर दया करेगा जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये सब सोशल डोमेन की चीज़ें हैं। राइट, हमारे आपकी लाइफ का जो रेफरेंस है, रेफरेंस भारतीय संस्कृति ने हमको आपको क्या सिखाया, फिर मैं कह रहा हूँ मुझे शर्म आती है, भारतीय संस्कृति ने सिखाया कि तुम परोपकार करो, तुम दूसरों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करो तो तुम्हारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में होगा फ़ायदा तुमको। ऐसे करके भारतीय संस्कृति ने हमको ऐसे सिखाया है। अच्छा, वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमको कैसे सिखाया है, ऐसे खुद ही कर लो जो करना है। अच्छा, ये खुद ही कर लो तो ये भी खुद ही कर रही हैं, ये भी खुद ही कर रही हैं, सब लोग खुद 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 कर रहे हैं। जब मुसीबत पड़ती है तो झेलो अपने आप, अकेले रहो, फिर क्यों रोना है, फिर किस बात का रोना। दुनिया नर्क बनी हुई है कि मैं खुद कर रहा हूँ। राइट, जबकि भारतीय संस्कृति ने हमको सीक्रेट हमारी लाइफ का बताया था, परोपकार। परोपकार मतलब उपकार करना है पराए पर, तो आप पलट के आपके ऊपर परोपकार होगा, पलट के। ये नियम है प्रकृति का। राइट, योग भी उसी तरीके की चीज़ है। योग का रेफरेंस जो है वो तमाम इंसानियत, तमाम इंसानों का भलाई, तमाम इंसानों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये योग का मेन एम है। योग का मेन एम आसन, प्राणायाम, क्रिया, मुद्रा नहीं है। मेन एम उसका ये है, सोशल डायनेमिक्स, जो कि हमने आपने जमाना हुआ, हमारे जेनेटिक कोड में भी नहीं है ये, मतलब चीख चीख के कहना पड़ रहा है। मैं अकेले नहीं कह रहा, और भी बहुत से लोग कह रहे हैं, आप भी कहना शुरू करो तो आपको भी बहुत चीख के कहना पड़ेगा, तब शायद कहीं किसी के थोड़ा सा डाल पाओगे। और लेकिन ऐसे ही इंसानी ज़िंदगी, ऐसे ही हमारी आपकी चलती है। राइट, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को यहाँ समझना है, तो समझने का एक तरीका तो ये होता है कि हम पेन और डायरी या मोबाइल फ़ोन की नोटबुक वो खोल के बैठें, क्योंकि कोई भी नई बात अगर आपने सीखी और आपने ऐसे सर हिलाया, बात तो ठीक कह रहे हो। राइट, फिर उसके बाद मैंने एक और कही, फिर आपने एक सिर हिलाया, फिर मैंने ऐसे 10 बार कही 10 बातें नई, आपने 10 बार सिर हिलाया। लेकिन जब 10वीं बार सिर हिलाया तो साइकोलॉजिकल स्टडीज़ कहती हैं कि पहले की 3 भूल गए आप, या बीच की 2 भूल गए और कहीं एक की 1 भूल गए। शाम को लेके बैठे कि राजीव सर ने क्या कहा था, नहीं कहा, कह तो रहे थे बहुत अच्छी बातें, मगर क्या कह रहे थे राजीव भाई, क्योंकि हमें नोट नहीं करते। यानी 32 जीबी डेटा हर 30 सेकंड में हमारे पास आता है, 32 जीबी डेटा, जिसमें से 99.9% डेटा हम डिलीट कर देता है हमारा माइंड, इंटेलेक्ट। राइट, तो कितना रखेगा माइंड हमारा। तो आपको कोई भी नई बात समझ में आए तो फौरन टक से आप नोट कर लिए, है ना। राजीव भाई ने जो है वो एक वो बताया था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले 99% ध्यान देते हैं, फिर 98, 97, 99, फिर उसके बाद 0 पे चले जाते हैं। और 0 को जो है वो उन्होंने एक टेक्निकल टर्म बोला था, अभी मैं भूल गया, मैंने डायरी में नोट किया हुआ है, शाम को जैसे ही मैं देखूंगा राजीव भाई ने क्या कहा था मुझे याद आ जाएगा। राइट और रॉन्ग, तो एक तो डायरी वायरी लेकर के अगर थोड़ा सा बैठ सकें, अगर थोड़ी सी कष्ट कर सकें, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा फेवर आप लोग सिर्फ इस बात से कर लोगे कि आपके पास नोट्स मौजूद होंगे। ये नोट्स आप पढ़ो नहीं पढ़ोगे आपके बच्चों को मिल जाएगा, हो सकता है पता नहीं किसका जीवन परिवर्तित हो जाए।
आपके भाई बहनों में से किसी को मिल जाएगा शायद। तो मैं जोर दे रहा हूँ फिर से, और मैं उनको गौर से देखता रहूँगा जो नहीं लिख रहे होंगे, चैलेंज दे रहा हूँ मैं, बुरा ना लगे या मुझे क्यों घूर रहा है ये, ठीक है? नहीं तैयार हैं आप लोग इस बात पे? पहले बताइए, मैं उनको घूर घूर के बातें करूँगा जो लोग कुछ नहीं लिख रहे होंगे, बस भाई साहब को छोड़ूंगा मैं और किसी को नहीं, ठीक है? ऑलराइट, देखिए डेविड रीजमैन नाम के एक हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं, इनको जो है वो फादर कहा जाता है सोशियोलॉजी का। वो हमसे और आपसे ये बात मैंने उनकी कही थी बिना उनका नाम लिए, कि दुनिया में मुसीबत पड़ती है तो हर इंसान अपने आप को अकेला पाता है, जबकि दुनिया भरी पड़ी है इंसानों से, पटी हुई है और ओवर पॉपुलेशन की तरफ बातें चल रही हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इंसानों के पास इस हेल से निकलने का कोई रास्ता उसकी आज की डेट में समझ में नहीं आ रहा है, कोई रास्ता हमारे आपके समझ में आ नहीं रहा है कि ये निकलेंगे कैसे इससे। हर इंसान है तो मुसीबत में, और जैसे ही मुसीबत में पड़ता है तो अकेला हो जाता है, अपने को अकेला महसूस करता है, कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं होता। ये नर्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे जीवन में है, ये कैसे दूर होगा मालूम नहीं। रीजमैन कह रहे हैं नहीं मालूम, जबकि वो फादर हैं, उनको उपाधि मिली हुई है, तब भी वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता। हम चाहते किस तरीके का हैं, दुनिया किस तरीके की हम चाह रहे हैं? दुनिया हम जो है वो चाह रहे हैं इस तरीके की कि पाथ ऑफ यूनिटी ऐसी हो जाए। बातें करते हैं हम लोग, अभी कम से कम यहीं 3 बार तो हमने वसुधैव कुटुंबकम सुना, आप ही लोगों ने सुना वसुधैव कुटुंबकम। आपको क्या लगता है वसुधैव कुटुंबकम कहना कितना आसान काम है ना, और कितना अच्छा लग रहा है, हाँ भारत ने दिया था। एक तो हम इस पर पता नहीं क्यों बड़ा गर्व करते हैं, ओ भारत ने दिया था, अपने जीवन में कुछ नहीं है, कोई वसुधैव कुटुंबकम नहीं है। माफ़ करिएगा, बुरे लगेंगी मेरी बहुत सी बातें, आपको बुरी लगेंगी, मैं मुस्कुरा मुस्कुरा के बहुत कुछ बोलूँगा आपको, और आपको नहीं बोल रहा असल में, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा जीवन सुधर जाए। मेरे मुँह के पास सबसे पास में जो कान है वो मेरा अपना है, तो मैं अपने को पहले सुना रहा हूँ, बाद में आप लोगों को सुना रहा हूँ, हाँ नाम किसी का भी ले लूँगा, ठीक है? नहीं राइट, पाथ ऑफ यूनिटी बहुत अच्छा टर्म है, करने को कोई तैयार नहीं है। आज की डेट की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, एक थाली में खाना खिला के तो दिखा दो ज़रा सबको, मैं सच्चाई बता रहा हूँ समाज की, माफ़ करिएगा सब लोग, राइट? इसके अलावा नैरो लिमिट्स ऑफ फैमिली होमलैंड रेस एंड एम्ब्रेस द एंटायर ह्यूमन रेस, बात बिल्कुल ठीक है। ये घोषणा जो है वो भारत से ही उठी थी, वासुदेव कुटुंबकम की, होल अर्थ इज वन फैमिली। लेकिन फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट जो फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक होती है, हर घर की होती है, क्या है? मैं आपसे पूछूं तो आप लोग नहीं कहोगे, आप जवाब नहीं दोगे इसका, हाँ 2-4 दिन 10 दिन का टाइम दूँ हफ्ते भर का तो आप दे दोगे, राइट? क्योंकि हर घर में हो रही है, मैं वैसे ही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आप भी कहोगे हाँ बात सही है। घर में जो मेंबर सबसे कमज़ोर रह जाता है, मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ, और देखिए वसुधैव कुटुंबकम कितना मुश्किल वो है, कहना बड़ा आसान है, अपने घर में देखेंगे, हमारे घर में जो सबसे कमज़ोर मेंबर रह जाता है उसकी सारी ज़रूरतें सबसे पहले पूरी की जाती हैं, राइट और रॉन्ग? हमारे घर के अंदर जो सबसे कमज़ोर मेंबर रह जाता है, चाहे वो सबसे छोटा बच्चा हो या बूढ़े माँ बाप हो या बीमार कोई हो, तो सबसे पहले उसकी ज़रूरत पूरी की जाती है, उसके बाद उन लोगों की ज़रूरत पूरी की जाती है जो वेल एस्टेब्लिश्ड होते हैं, राइट और रॉन्ग? राइट, अच्छा अब आप सोचो ज़रा, दिस होल अर्थ इज़ वन फैमिली, 2.25 लाख लोग भूखे सो रहे हैं, कमज़ोर सेक्शन कौन है, तारिक मुर्तज़ा या वो? उनकी ज़रूरत पहले पूरी होनी चाहिए या तारिक मुर्तज़ा की पहले पूरी होनी चाहिए? अरे जवाब दो ना, हम पता क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि अंदर से गिल्ट महसूस हो रही है हमको। मैं गिल्ट नहीं महसूस कराना चाह रहा आप लोगों को, चेतना आनी चाहिए। हमारे राजीव भाई ने कहा था चेतना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है जितनी चेतना इंपॉर्टेंट है। हाँ मैं ये बातें कहूँगा आपसे, सारी बातें सच कहूँगा कि वासुधैव कुटुंबकम अगर है तो इसकी शुरुआत यहाँ से आपको करनी पड़ेगी,
नारा लगाना बहुत आसान है, शुरुआत करनी पड़ेगी तब भारत विश्व गुरु बन पाएगा। कहाँ से? कि पहले समाज में जो लोग जैसे भी कमज़ोर रह गए हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करो। पहले समाज में अर्थ एक फैमिली है ना, उनकी ज़रूरतें पूरी करो, इररेस्पेक्टिव ऑफ फैमिली, होमलैंड, रेस, एंड एम्ब्रेस द होल ऑफ द अर्थ एज वन फैमिली। तो पहले तो उनकी ज़रूरतें पूरी करो जो कमज़ोर रह गए, किसी भी वजह से रह गए, हमें इससे मतलब नहीं, पहले उनकी ज़रूरतें पूरी करो, फिर वेल एस्टेब्लिश्ड लोगों की ज़रूरतें पूरी करो। ये वासुदेव कुटुंबकम का पहली बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उनकी औलादें तो नहीं है ना? नहीं, उनकी औलादें तो नहीं है ना, आप उनकी औलादों को बढ़ाने की कोशिश करो। मैं एक बात कह रहा हूँ, लोकमान्य तिलक जी ने, सर सैयद अहमद खान साहब ने और दूसरे बड़े एजुकेटर्स ने, फिलोसफर्स ने, थिंकर्स ने कोशिश करी ना, पता नहीं हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वज किस तरीके की जीवन गुजार रहे थे। हमारा आपका जीवन कैसा है आज? अच्छा हो गया? ऐसे ही हम भी समाज में कोशिश करें। ठीक है, उनको छोड़ दो, बहुत से लोग होंगे जो शराब पीते होंगे, बहुत से लोग होंगे, आप 50 रुपये भी दोगे दान में तो वो शराब की बोतल ले आएंगे, मे बी ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें कहीं तो शुरू करना पड़ेगा ना। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे वो हम लोग कभी और बात करेंगे इसके ऊपर, वो भी है हमारे ऊपर पॉइंट, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम लोग जो हैं वो चीज़ों को, अभी तक मैं ये कह रहा था आपसे, डिस्कस ये कर रहा था, और मैं असल में ये चीज़ें इसलिए कर रहा था कि आपकी थोड़ी सी भूख से भी डाइवर्जन हो आपका, है नहीं, बहुत ज़रूरी है इस वक्त, राइट। देखिए, हम लोग जो हैं वो इंटायर ह्यूमन रेस को, हमारी इंटेलेक्ट, इंटायर ह्यूमन रेस को हमारी इंटेलेक्ट नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि इंटेलेक्ट तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लेती है, इंटायर ह्यूमन रेस के लिए तो सोशल डायनेमिक्स चाहिए, उसके लिए तो हमको योग की टीचिंग्स चाहिए, राइट। हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हम लोग इंसान जो हैं वो 3 पार्ट होल हैं। पहले तो हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। मैडम मुझे ज़रा सा इशारा कर देंगी ऐसा करके, कट, तो मतलब टाइम ख़त्म। मैं 5 मिनट में फिर अपनी बात को समाप्त कर दूंगा, बात तो चलती रहेगी, लंबी बात है ये, है नहीं? मेरी ओवरऑल, मेरा जो वर्कशॉप है ये 60 आवर्स का तो वैसा है, और डिटेल्ड जो है वो उसका एक छोटा सा अंश मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है 40-50 मिनट में क्या कर पाऊँगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी करूँगा आपके दिल को छू लूँगा, राइट। एक चीज़, दूसरी चीज़, अदरवाइज़ हम लोगों के पूरे सिलेबस हैं ये दो, और पूरे पूरे सेमेस्टर में, पूरे एक साल हम लोगों के जो है वो इस तरीके की सिलेबस हम लोगों का चलता है। उसी में से मैं बहुत छोटा सा पार्ट आपके पास लेकर के आया हूँ कि हम सब इंसान जो हैं वो 3 पार्ट होल से बने हुए हैं, 3 पार्ट्स में बने हुए हैं। उसका अंश जो है वो हमारे राजीव भाई ने भी लिया था, लेकिन उनकी भाषा दूसरी थी, मेरी भाषा दूसरी है, बात एक ही होती है, भाषाएँ अलग अलग होती हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा आपका है फिजिकल बॉडी, मानते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा पार्ट है हमारा आत्मा, हम कहते हैं ना कि उसके शरीर से आत्मा निकल गई ऐसा करके, नहीं, अलग अलग भाषाएं हैं, कहीं रूह कहा जाएगा, कहीं स्पिरिट कहा जाएगा, कहीं आत्मा कहा जाएगा, ये हमारा दूसरा पार्ट है। ये आत्मा जो है इसको अच्छे से समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन आपके जमा के उसमें क्रिएट ना हो। आत्मा ये परमेश्वर की तरफ से आया हुआ करंट है, कहते हैं ना परमात्मा की तरफ से आया हुआ हमें एक बेहतरीन गिफ्ट मिला हुआ है, राइट। इस आत्मा के बारे में योगेश्वर, योगेश्वर किसको कहते हैं भारतीय संस्कृति में? शिव जी को, कृष्ण जी को कहते हैं। भगवत गीत 18वें अध्याय में कहती है योगेश्वर, है ना, श्री कृष्ण जी को योगेश्वर के नाम से पुकारा जाता है, बहरहाल, राइट। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा स्थाणु है, आत्मा स्थाणु है, अनअल्टरेबल है, आप उसमें कोई चेंज नहीं ला सकते, वो एक यूनिक, बहुत ही प्रीशियस परमात्मा की तरफ से आपको और मुझको सबको गिफ्ट मिला हुआ है, और वो स्थाणु है, हमेशा से खुश है, हमेशा से सुखी है। ये योग का अब अलग दूसरा स्क्रिप्चर है, शिव संहिता, 33 स्क्रिप्चर्स हैं पब्लिश्ड योग के, और 13 हैं अनपब्लिश्ड, तो वो अलग इशू है हम लोगों का, उसके ऊपर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, राइट। आत्मा क्वालिटी लेस है, आपका उसको अच्छी, अरे जी आप उसको बयान नहीं कर सकते,
आप उसको कहो बुरी, तो बुरा तो कहने का हक ही नहीं है, राइट? हमेशा से पूर्ण है, कंप्लीट है, कंप्लीट इन इटसेल्फ, वो गिफ्ट आया कंप्लीट इन इटसेल्फ। आप उसके अंदर कुछ एडिशन करके उसको कोई कंप्लीट नहीं कर सकते, या डिलीट कर लो तो कंप्लीट हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप उसके अंदर। परमात्मा, ये आत्मा तो ऐसी है। एक हमारे पास है चित्त, चित्त सुना होगा आपने, राइट? इसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, इसकी जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको उस नाम से पुकारा जाता है। जैसे इसी चित्त को जो है वो मन के नाम से भी कहते हैं हम लोग, मन या माइंड, इंग्लिश में हम साइकोलॉजी में उसको कहते हैं माइंड, मतलब जहाँ पे थॉट क्रिएट होता है। जैसे ही थॉट क्रिएट हुआ, आपने कुछ सोचना शुरू किया, तो इसको कहते हैं मेरे माइंड में ये आइडिया आया है, मेरा मन ऐसा सोच रहा है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, राइट? चित्त का ही एक और कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम बोलते हैं ईगो। अभी ईगो की बात भी आई थी, ईगो मतलब अहंकार, आपकी लर्निंग का अहंकार, खूबसूरती का अहंकार, कपड़े का अहंकार, फैमिली का अहंकार, अपने दोस्त अहबाब का अहंकार, किसी भी तरीके की ईगो आपकी हो सकती हो, राइट? उसको बोलते हैं ईगो। है वो एक ही चीज़, अभी चित्त अलग अलग नामों से बस पुकारा जा रहा है, राइट? उसी को कहते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस पे दुनिया परेशान है डेफिनेशन देने पे। असल में हम लोग थ्री पार्ट होल को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से दुनिया की बहुत सी टर्मिनोलॉजी बहुत कन्फ्यूजिंग हो गई है। बस इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ये चित्त जो है ये क्या चीज़ है। तो ये अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है जब आप अपने से परे, अपने से परे तमाम इंसानों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, तो उसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। अपने से परे, वरना तो स्वार्थी हैं, लेकिन अपने से परे हमने जब करना शुरू कर दिया, सब लोगों का फ़ायदा, अपने फ़ायदे के साथ साथ सबका फ़ायदा जब करना शुरू कर दिया, तो ये हुई कॉन्शियसनेस, राइट? योगिक टर्मिनोलॉजी में उसको चित्त बोलते हैं। योगिक टर्मिनोलॉजी में अच्छे से समझ लिए, उसको चित्त बोलते हैं। जैसे ही आप में से एक तो मैडम अगर कट करेंगी, और दूसरा अगर आप में से किसी ने घड़ी देखी, तो मैं ख़त्म कर दूंगा। घड़ी का मतलब ये हुआ ख़त्म हो जाओ। जैसे आपके यहाँ मेहमान कोई आए और आप अपने बच्चे से कहो हाँ भाई चाय लेके आना ज़रा, इसका मतलब है जा भाई चाय पी, तेज़ निकल, है नहीं, राइट? चित्त असल में जिसको आप, जो आप हो, अपने आप को कहते हो ना मैं, मैंने ये काम किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा बोला, राइट? मेरे मुंह ने बोला, मेरी मसल्स अंदर से उन्होंने वॉइस को वो किया, मॉड्यूलेट किया, प्रेशर बनाया पेट की मसल्स ने, आवाज़ बाहर निकली, एयर मीडियम से आपके कानों तक गई। इसमें मैंने क्या किया? ये सब काम तो मसल्स ने किया, नहीं, मैंने किया। ये चित्त जो है ये काम करता है, सारे आइडियाज़ सोचता है, थिंकिंग ये करता है, लर्निंग ये करता है, ये सोचने के बाद फिर फिजिकल बॉडी को इस्तेमाल करता है एज ए टेक्नोलॉजी। मुझे यहाँ जाना है तो मैं अपने पैरों से, चित्त जो है वो अपने पैरों को इस्तेमाल करके एज ए टेक्नोलॉजी यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये इस तरीके से ये चित्त हमारा। हम लोग ये थ्री पार्ट होल से बने हैं। एक हमारा जो है वो शरीर है, ये चित्त जो है वो सवार है। भारतीय संस्कृति में इसको बहुत अच्छे उसमें दर्शाया गया है कि वो आप जो हो वो सवार हो अपनी बॉडी के ऊपर, राइट? ये सवार है, फिजिकल बॉडी हमारी जो है वो सवारी है। इस सवारी के ऊपर सवार होकर हम लोग सारे दुनिया के जितने भी काम कर रहे हैं, ये सारे काम हम और आप ऐसे कर रहे हैं, राइट? महर्षि पतंजलि ने योग में योग को समझाने के लिए हमको आपको डेफिनेशन दी है, योगश चित्तवृत्ति निरोधः। योग क्या चीज़ है? कि चित्त के अंदर जो वृत्तियां हैं इनकी रोकथाम कर लो, ये जो पूरा प्रोसेस तुम करोगे ये योग कहलाता है। ये जो वृत्ति वर्ड है जिसको हम नेगेटिव ऑल्टरेशन कह रहे हैं, ये वृत्ति वर्ड जो है ये वृत्त से बना हुआ है। वृत्त समझते हैं? हाँ, सर्किल। महर्षि पतंजलि देखो क्या कह रहे हैं, आपसे 2500 साल पहले थे, और क्या मतलब विकट का इंसान थे वो, राइट? वो क्या कह रहे हैं? देखो कभी भी तुम अपनी ज़िंदगी को ऐसे सर्कुलर उसमें मत गुजारना, मतलब जैसी सुबह करी वैसी शाम कर ली, जैसी सुबह थी वैसी शाम, फिर उसके बाद सुबह उठे वैसी, फिर वैसी शाम,
जैसी सुबह और वैसे ही शाम, राइट। सर्कुलर मोशन में चले 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 कहाँ पहुँचे, वहीं पहुँच गए, फिर चले, फिर वहीं पहुँच गए, फिर चले, फिर वहीं पहुँच गए। 54 साल से चल रहा हूँ मैं, कहाँ पहुँचा, वहीं पहुँचा ना। नहीं, महर्षि पतंजलि कह रहे नहीं ना, ये नहीं करना हरकत। ऐसे कौन करता है, ऐसे जीवन गुजारते हैं, कौन करता है, ऐसे कौन जीवन गुजारता है, आप बताओ, ऐसे जीवन गुजारते हैं? अरे आपके पड़ोसी लोग हैं जो गुजार रहे हैं, कौन, अरे बोलो ना यार। मेरे पास 100 का नोट नहीं है, नहीं तो 100 का नोट निकाल के कहता 100 का नोट मिलेगा उसको, मैं प्रिंसिपल मैम से लेके दे दूंगा। हाँ बताओ। अरे हमारे आपके पड़ोस में जिंदगी गुजार रहे हैं सब, ऐसे कौन, जोर से बोलो, सभी गुजार रहे हैं? नहीं। अरे जानवर जितने भी हैं वो सब ऐसे गुजार रहे हैं? अरे सारे एनिमल्स ऐसे तो गुजार रहे हैं, जैसी सुबह है कुत्ते की वैसी शाम है कुत्ते की, फिर रात भर भी वैसे ही, फिर सुबह फिर वैसे ही कुत्ता, फिर वैसे ही कुत्ता, फिर वैसे ही कुत्ता, 7,000 साल से बकरी तो बकरी है, आप मुझे बताओ, 10,000 साल से मुर्गी मुर्गी है, आप बताओ एक भी स्टेप आगे बढ़ी क्या, वो एक भी स्टेप आगे बढ़ी मुर्गी, शेर, कोई नहीं बढ़ा ना। 10,000 साल पहले मेरे और आपके पूर्वज, सब लोग, सबके पूर्वज जो है वो गुफाओं में रहते थे, क्या आज भी सब गुफाओं में रह रहे हैं, बढ़ गए ना आगे, बढ़ गए। हाँ 5 मिनट में कह दूंगा मैं मैम से, राइट। मैं यहीं पे अपनी बात को ख़त्म करूंगा। इस बात को देखो, मैसेज असल में आप ये ले जाना, और ख़ास करके सारे बच्चे और टीचर्स के लिए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, कि हम वृत्ति में ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। मतलब जैसी भी लर्निंग मेरी आज है, इसमें कम से कम एक लर्निंग अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, एक लर्निंग इसमें ऐड कर दो, तो तब मिनिमम इंसान के कंडीशन पे आओगे, वरना जानवर की कंडीशन रह जाएगी। जैसी ज़िंदगी थी वैसी गुजार दी, वैसी गुजार दी, वैसी गुजार दी। आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, सबसे पहले मेरे लिए है, फिर बाद में आप लोगों के लिए है, कि रोज़ आना, अपनी लर्निंग में एक नई चीज़ ऐड करते रहिए, लगातार आप ऐड करते रहिए। आप लगातार ऐड करते रहेंगे, आप 10 में से जो एक हिस्सा इंसानों का है उसमें आप जीवन को आगे गुजारते रहेंगे। साथ में दूसरों का ख्याल ज़रूर रखिए, जो आपके आस पड़ोस रहते हैं और किसी भी वजह से कमज़ोर पड़ गए हैं, उनकी ज़िंदगी को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करिए अपनी ज़िंदगी के साथ। अगर ये दो काम आपने कर लिए, तो आप यकीन जानिएगा, जिसको आज की डेट में हम कहते हैं ना भारतीय संस्कृति में मोक्ष, तो वो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, और इससे सस्ता मोक्ष कहीं मिलेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थोड़ा सा प्रकाश में डालना चाहूँगी G20 पर। हम सभी जानते हैं कि इसका शिखर सम्मेलन हमारे देश में 2023 में हुआ, और इसमें मुख्य रूप से 3 पहलू थे। Y20 को समझने के लिए थोड़ा G20 को पे बात करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम पर अभी प्रोफेसर मुर्तजा जी ने अभी प्रकाश डाला, बहुत अच्छे से प्रकाश डाला। और भारत एक ऐसा देश है जिसने सर्वप्रथम विश्व के कल्याण की बात की, और कहा कि सारा विश्व जो है वो हमारा, सारा विश्व हमारा घर है, और हमें उसके कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। और G20 में वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका बहुत अहम रही। साउथ ग्लोबल का मुद्दा भारत ने बहुत ज़ोरदार तरीके से इसमें उठाया। अमृतकाल की बात हुई, अमृतकाल 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता की, और आगामी जो 25 साल पूरे 2047 में होंगे, इन 25 सालों में जो भी सतत प्रयास किए जाएंगे उस विषय में बातें हुई। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी द्वारा सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात की गई, कि किस तरह से हम स्वयं पर निर्भर होंगे। पर मैं ये मानती हूँ, मेरा ये कहना है कि भारत एक ऐसा देश है, मैं ये नहीं कह सकती अभी कि हम बहुत सारी समस्याओं के समाधान बता सकते हैं, पर भारत इस स्थिति में ज़रूर आ चुका है जहाँ से वो एक रास्ता विश्व को ज़रूर दिखा रहा है। और वो रास्ता क्या है? वो रास्ता सेल्फ रिलायंट, सक्षम होने का है, विश्व गुरु बनने का है,
और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात भारत के विषय में यह है कि भारत जो भी समाधान विश्व के समक्ष रखता है वो बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। नेक्स्ट, Y20 क्या है? Y20 G20 का जो आधिकारिक पूरा एक ग्रुप है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें बहुत सारे ग्रुप एंगेजमेंट्स हैं, B20, C20, L20, S20, T20, U20, W20, Y20। ये सेमिनार Y20 पर है, यूथ के विषय में है, यूथ के लिए बातें हो रही हैं, उनकी चुनौतियों के समाधान क्या हो सकते हैं, इस विषय पर दोनों दिन वार्ता चलेगी। हम सभी ये जानते हैं कि इस Y20 की 5 थीम्स हैं, शायद हम सभी परिचित होंगे कि Y20 की 5 जो हमारी थीम हैं वो शांति निर्माण और सुलह की है, स्वास्थ्य कल्याण की है, कार्य के भविष्य की है, साझा भविष्य की है, जलवायु परिवर्तन की है, इसके अलावा AI, साइबर सर्विसेज, डेटा कलेक्शन, इन सब पर भी Y20 में बात की गई है, जिसका शिखर सम्मेलन वाराणसी में हुआ। मैं थोड़ा इसमें नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा इस पे, ये 5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। हम सभी जानते हैं कि यूथ सबसे अधिक संख्या में भारत में है, इस पर भी बात हुई है, किसी भी राष्ट्र के भविष्य के प्रतिनिधि हैं। यूथ एक ऐसी अवस्था है जो ऊर्जा, उत्साह और सीखने के लिए खुलापन और प्रेरणा और रचनात्मकता से भरपूर होती है। युवावस्था परिवर्तन का दौर है, जैसे कि लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ने अपनी एक पोयम में ये मेंशन किया था कि ओल्ड ऑर्डर चेंजेस यील्डिंग प्लेस टू न्यू, पुरानी चीज़ को जाना ही होता है, नई चीज़ को आना ही होता है, और इन दोनों के जो ये परिवर्तन जब होता है वह समय वह कड़ी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। शायद ये वही समय है जब इसमें कुछ टाइप की कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, तो उसमें उसको हम मतलब ये वही समय है कि परिवर्तन को हम किस तरीके से बहुत पॉजिटिवली लें। नेक्स्ट, जो मेरा मेन पत्र का जो एक फोकस पॉइंट था वो इसके चैलेंजेस का था। हमारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, बस एक छोटा सा प्रश्न मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो अपने स्तर पर समाज में एक चैलेंज सिर्फ बता दें, कोई भी बच्चा हाथ खड़ा करके, कि वो क्या महसूस करते हैं कि यह उनकी एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या इनमें से कोई है जो मैंने लिखी है? इसमें से कुछ आप चुनौती महसूस करते हैं अपने जीवन में? जी बताएं। अच्छा, हाँ ठीक। अब जैसे कि इन्होंने करप्शन से बात शुरू की, आपको क्या लगता है कि करप्शन ऐसी चुनौती के रूप में क्या है, कि वो किस तरह से आपको अफेक्ट कर रही है, कैसे आपको प्रभावित कर रहा है? हाँ, पुलिस भर्ती का और उसके तमाम और कहीं ना कहीं उनके भविष्य को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित कर रहा है। ठीक है, बैठ जाएं। सबसे पहला मैंने आज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट, हम ये मानते हैं कि यूथ बहुत इंडिपेंडेंट हो गया है, पर क्या प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट है? और यदि ऐसा है तो फिर यूथ इतना एलोन क्यों है, वो इतनी लोनलीनेस क्यों फील करता है? वो कहीं ना कहीं बहुत अकेला हो गया है, छोटी उम्र में हॉस्टल में चला जाता है और तमाम तरह के निर्णय जो वो खुद लेता है कहीं ना कहीं उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यूथ हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहा है। प्रोफेसर राजीव जी ने अभी जब प्रकाश डाला था मेंटल हेल्थ पे, देखिए हम सभी यूथ की ना वैसे तो बहुत बातें करते हैं कि दौड़ लगाइए, ऐसा खाना खाइए, किडनी सही हो, लीवर सही हो, हार्ट सही हो, लेकिन कभी भी आपने देखा होगा कि हम ऐसे बात नहीं करते कि ब्रेन भी हमारी बॉडी का वही पार्ट है जिस पर उतनी ही बातें की जानी चाहिए जितनी हम अन्य अंगों पर बात करते हैं।
तो ये जो हेल्थ इशू है इसका, यूथ का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए चैलेंज है बहुत बड़ा सोसाइटी में, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट, जैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं ये सोचती हूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर बहुत सारी हैं, वैकेंसीज अगर बहुत सारी हैं, तो फिर ऐसी क्या बात है कि वे वैकेंसीज़ खाली हैं, क्यों नहीं वे भर रही हैं? और यदि वे भर नहीं रही हैं तो इसका मतलब एक बड़ा हिस्सा ज़्यादा कार्य कर रहा है और एक हिस्सा कार्य नहीं कर रहा है। अपब्रिंगिंग, ये भी मैं आपको बताऊं, यूथ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आज के माता पिता अपने बच्चों को बहुत पैम्पर करके पालते हैं, और जो बच्चे पैम्परिंग कर कर पाले जाते हैं वो जीवन में कहीं ना कहीं असफल रहते हैं। उन्हें नो सुनने की हैबिट नहीं होती, उन्हें चीज़ों को एक्सेप्ट करने की हैबिट नहीं होती है। तो अपब्रिंगिंग, जिसको हम ये सोच रहे हैं आजकल कि हमने अपने बच्चे को बड़े प्यार से पाला, उसको हमेशा बहुत टाइम से चीज़ें दी, उसको हर चीज़ दी, उसको अभाव का पता ही नहीं है, तो शायद आप नहीं जानते कि ये उसके लिए एक माइनस पॉइंट है। बच्चे को नो सुनना आना चाहिए, बच्चे को चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए, आनी चाहिए। और मैं अपब्रिंगिंग को भी एक चैलेंज के रूप में मानती हूँ। डिस्ट्रैक्टेड है, सोशल मीडिया की भी बात हुई थी। आप एक बात बताएं कि सोशल मीडिया में सारे समय रहना और फिर बिल्कुल अकेले रहना, ये शो करता है कि उसने वहाँ पर वो सब नहीं पाया जो वो उसको जिसको वो ढूंढने के लिए सोशल मीडिया पर गया था। कहने का अर्थ ये है कि इन्फॉर्मेशन मिलना एक अलग बात है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना एक अलग बात है, लेकिन कुछ सॉल्यूशंस मिल जाना, कुछ समाधान मिल जाना, ऐसा कहीं सोशल मीडिया में इस तरह का कोई सीन नज़र नहीं आता है। प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, जैसे मेरी अपने बेटे से ही बात हो रही थी करीब दो एक दिन पहले, हम ऐसे ही वो कर रहे थे, तो वो ये कहने लगा कि देखो मम्मी, ऐसा होता है कि आजकल यंग एज में कमाने लगते हैं। अब यंग एज में जब समय वो कमाई शुरू करता है, बच्चा बड़ा खुश होता है कि मैं कमा रहा हूँ, अभी से ही कमाने लगा, इतना मेरा पैकेज है। लेकिन जिस हिसाब से ज़रूरतें, महंगाई तेज़ी से बढ़ेंगी, उसकी सैलरी उस हिसाब से फिर नहीं बढ़ेगी, और फिर वो अंडर प्रेशर होता है। अभी आईफोन चाहिए, चाहे ईएमआई पे लूँ ले लूँ। फिर ऐसे भी केसेस सुनने में बहुत सारे हमारे सामने आए कि घर की तमाम चीज़ें ईएमआई पर हैं, अब वो प्रेशर में हैं सारे ईएमआई चुकानी है। तो कहीं ना कहीं ये जो सोशल सोशल स्टेटस का जो एक प्रेशर है, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज के युवा के ऊपर है। करप्शन की बात जैसे अभी आपने की ही थी, ये निश्चित रूप से बहुत डिप्रेसिंग है, डिप्रेशन लाता है। आपने तैयारी की, आपने एग्ज़ाम दिए, पेपर लीक हो गया, आप दोबारा से वहीं के वहीं खड़े हैं। कई साल बाद नंबर आता है एग्ज़ाम देने का, और फिर बात वहीं से वहीं शुरू के वहीं ख़त्म हो जाती है। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेस जनरल जॉब्स मोर स्किल्ड जॉब्स। अब सीन क्या आ चुका है सोसाइटी में, अब ना जॉब ऐसे नहीं है कि आपको क्लर्क की जॉब मिल गई, अब क्लर्क बनने चलेगा तो फिर उसको पूरा कंप्यूटर फ्रेंडली होना, उसको अकाउंटेंसी आती हो, एक्सेल आता हो, टैली आती हो, वो सब कुछ जानता हो अच्छे से, स्किल्ड होना ज़रूरी है। अब क्या है कि अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आउट ऑफ रेस हैं आप, अब आपको कोई अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। तो जनरल जॉब्स जो हैं ये जितनी है, ये कम हो गई हैं, अब ट्रेडिशनल स्टडीज़ कम हो गई हैं, अब हमें वोकेशनल या स्किल जॉब की तरफ जाना ही पड़ेगा। एक ये देखिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बात जब मेरी अपने बेटे से हुई तो उसने बताया कि कंपैरिजन मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसने कहा मैं अपने माता पिता को कहीं घुमा कर लाया एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड, मैं हरिद्वार या मैं कहीं आसपास की जगह घुमा लाया, मैंने उसको सोशल मीडिया पर शेयर किया, मैं घुमा कर लाया और सब अच्छा, मैंने भी अच्छा महसूस किया, मेरे माता पिता ने भी अच्छा महसूस किया। होने को कहानी वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अचानक से एक और पोस्ट आती है और उसमें वो उसका ही कोई साथी या कोई लिख रहा है कि भाई मैं अपने पेरेंट्स को स्विट्ज़रलैंड घुमा लाया, उसका सारी खुशी अचानक से ख़त्म हो जाती है। कंपेरिजन मैंटेलिटी जो है वो कहीं ना कहीं युवा वर्ग को बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट कर रही है, उससे उसको बाहर। पीयर एक्सेप्टेंस, आप शायद हंसे भी इस बात पर, बच्चे युवा बाहर ये बड़ा महसूस कर रहा है, घर से बाहर वो बहुत कम उम्र में आ जाता है,
कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मुझे मेरे साथी जन जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ड्रग्स अब्यूज़, वो उसको उसका पार्ट मानता है कि उसको उसको अपनी तरह नहीं माना जाएगा, वो एक अलग सा महसूस होगा. वो कहीं ना कहीं इस पीयर एक्सेप्टेंस के चक्कर में कुछ बुरी आदतों का शिकार है और वहाँ उसको कोई गाइडेंस नहीं है. बातें तमाम होती हैं लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे अगर आप देखें तो वो जिन क्वेश्चंस से निकलता है या जिस सीन से निकलता है उससे कई बार पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि ये इस दौर से निकल रहा है. और लास्ट में यंग अर्नर्स लेस सैलरी इंक्रीज, इसकी बात मैंने अभी आपसे की थी. ये कुछ चैलेंजेस मैंने ऐसे चुने हैं जो थोड़े पर्दे के पीछे के हैं, बहुत कॉमन इन पर बातचीत नहीं होती है, इसको मैंने अलग तरीके से लिया है. पर ऐसा नहीं है, नेक्स्ट, पर ऐसा नहीं है कि हमारे पास इससे इसको फेस करने के वो नहीं हैं, हमारे पास उपाय नहीं हैं. ये मैंने एक लिस्ट बनाई है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, रिमोट वर्क, गिग इकोनॉमी, और ये वर्ड शायद कुछ इसमें गलत आया है, एंटरप्रेन्योरशिप, हेल्थ केयर सेक्टर, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, स्किल ट्रेड्स, इन सभी में तमाम ऐसे बहुत से अवसर हैं जिसमें युवा वर्ग अपनी जगह बना सकता है और इन चैलेंजेस से लड़ सकता है. मैं अपने इस छोटे से वक्तव्य को एक ही लाइन से सिर्फ समाप्त करना चाहूँगी कि सारा संसार जो है वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की तरफ बढ़ रहा है और भारत के युवा को हर स्थिति में इस नई रेस के अनुसार ढलना भी पड़ेगा और इसके अनुसार कुछ सीखना भी पड़ेगा, तभी शायद हमारा जो Y20 का मंच है वो सार्थक सिद्ध होगा. देखिए, मंथन बहुत होते हैं, विचार बहुत तरह के रखे जाते हैं, तमाम स्कीम्स बनाई जाती हैं, तमाम रास्ते भी बताए जाते हैं, बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं सोचती हूँ कि इस ये वो समय है जब युवा वर्ग को एक सही दिशा एक बहुत सही तरीके से समझाई जाए, थोड़े से व्यवहारिक स्तर पर समझाई जाए, घर से रिलेट करते हुए समझाई जाए, तो शायद Y20 एक बहुत ही मजबूत मंच साबित होगा. थैंक यू सो मच आपका पेशेंस मुझे सुनने के लिए. थैंक यू. मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार. नंदिता मैम, आपने यूथ के चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड दोनों पक्षों को लिया और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए जो समस्याएं हैं और समाधान के लिए कहाँ कहाँ अप्रोच कर सकते हैं. मैम का बहुत बहुत धन्यवाद. आगे लखनऊ से डॉक्टर नंदिता कौशल मैम ऑनलाइन जुड़ेंगी. नंदिता कौशल मैम जुड़े, उससे पहले मैं चाहती हूँ डॉक्टर निशी सिंह, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंग्लिश विभाग, आपसे अनुरोध है आप नंदिता कौशल मैम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें. एसपी सिंह सर भोपाल से जुड़ेंगे. प्रोफेसर एसपी सिंह सर का वक्तव्य, इसके पहले डॉक्टर निशी सिंह एसपी सर सिंह का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे. अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल. मैं स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन करूं? Pioneer Professor S.P. Singh, presently Associate Professor, Faculty of Environment and Development Economics, Indian Institute of Forest Management, Bhopal, Madhya Pradesh, has been credited with 17 books, 40 projects, and 225 published papers. Sir,
has been felicitated with numerous national and international awards. Recently, Sir has also participated in the World Academic Forum World Summit 2022, Stockholm. We are highly privileged, sir, to have you here and your gracious presence as a chairperson in this intellectual endeavor. Thank you, sir. Professor S.P. Singh, sir. May I start, madam, now? Yes, sir. Okay. Thank you very much, respected Professor Anil Chaudhary, madam, and I sincerely acknowledge. Okay, good afternoon, one and all, respected resource person, teachers, and my dear friend. Myself, Asaf Ahmed. Today, I am going to present research paper entitled as Modified Irsal Fielding Test. So, sports skill test. In India, there are many tests like for physical fitness and sports skills test. In this, we generally measure the fitness or the ability to play any game like football, volleyball, or cricket. So in this, we will be talking about the cricket, and the tests are being developed from many years. But in the field of cricket, some tests are developed. But the problem is there that the tests are being not modified. Means we have to see that why the test should be modified. The question is that is the test should be modified or not? So the answer is yes. So the reason why the test should be modified, because the timing is changing, the climate is changing, the fitness level of the players are being changing at the passage of time, and the rules are also being modified in the sports. So there should be modification in the test which are been measuring the skill of the players. So here there is a test known as Irsal Cricket Fielding Test. In this test we have taken 20 participants, and at the age from 16 to 28, and this test was even modified. And in this, there was a problem that when the test score was being taken, there the point was being differently calculated and the time was being differently calculated, and both the points have been taken for the final scores. So here the purpose was the test to bring those both the scores together and develop the norms of the test. And this was the problem we have to modify in this test. So the pilot study was being conducted, and in this test, 10 throws were being taken from the players and the time was measured. The time was 1 minute 12 seconds was time for the 10 throws. So researcher decided to keep the timing for 1 minute, and the time will be fixed and the throws will be taken from the players. So the objective of the study was to check the fielding ability of the players and throwing accuracy of the players. So the equipments required for this test were like ball, leather ball, 15 balls should be there, and bat, score sheet. So this is a field area. Here we are having the marking, and there will be testers, like for example the position of the caller who will call how much score have been attained by the player. He will be standing at the back of the target. Second is our position of the scorer, he will be standing at the sideline. Third is our position of the feeder, which will be feeding the ball to the fielder, and he will be standing just at the behind the end line and side of the target. He can be standing at the left or right, any side of the target. And fourth is our timekeeper, he will be at the side of that feeder. And last is our retrievers. The ball will be thrown by the feeder and that will be retrieved by the other players. So next is our test administration. So in this test, the administration is that the feeder will be standing at the side of the net, and the fielder will be inside the field, and the feeder will throw the ball, and the fielder will receive the ball and throw towards the target, and then this process will be going on for 1 minute. The fielder have to collect the ball and throw towards the target and score the point. So here we will be
seeing that how the score will be calculated. There will be three trials, and one minute trial will be given to that player, and the score of that will be written, and it will be divided by three, and the average of both the scores will be the score. And here it is our scoring sheet, and the criterion measures, for example, the reliability and validity of the test. The validity of the test was 0.90, reliability was 0.79, and the inter rate reliability was 0.86, and the objectivity of the test was 0.80. And the norm was also developed, and the conclusion is drawn that the test was being modified, and the score of both the fielding ability and throwing accuracy was being measured in the single unit. And this was our target and the balls, and this is the reference. Thank you all. Any questions? सर, आपने समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चाइल्ड मैरिज रेशियो पर बात की, आपने डिजिटल एजुकेशन, महिला शिक्षा तथा इम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में बात की कि आज का युवा किस तरह से एक अंधकार के जी रहा है। देश में मौजूद बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स और स्कीम्स हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। हमारे अंधकार में रहने से आज का युवा भटक रहा है, क्योंकि हम शिक्षक हैं और जब तक शिक्षक खुद जागरूक नहीं होगा तो अपने बच्चों को भी प्रकाशित नहीं कर पाएगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचारों से हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आप हमारे बीच हैं। अब हम ऑनलाइन बोर्ड से एक पार्टिसिपेंट से जुड़ेंगे। क्योंकि हमारा ये हाइब्रिड मोड है, तो हमारे कुछ स्पीकर्स और कुछ गेस्ट ऑनलाइन मोड से भी जुड़े हुए हैं। बता के हम सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत ही रिलेवेंट विषय उठाया गया है यहाँ पे, यूथ पर और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से इसको कनेक्ट किया गया है। यूथ एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी, ये जो दो सेक्टर्स हैं जो कवर होने चाहिए हमारी युवा शक्ति के साथ, उसको इस सेमिनार ने बहुत बखूबी कवर किया है। जितने स्पीकर्स हमारे सेशन में आए हैं उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, हमारे विकसित भारत की तरफ जो बढ़ने वाली सोच है हमारे प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, उस सोच को बहुत अच्छे से यहाँ पे डिलीवर किया है। G20 की बात यहाँ पर की गई है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस हुई हैं और ये बहुत सारी चीज़ें हमारी युवा शक्ति के लिए या युवा शक्ति मौजूद है। ये युवा शक्ति इसका एज ग्रुप 15 से 29 ईयर्स का है और इसको एम्प्लॉयबल होना ही चाहिए। जो एजुकेशन आपको मिल रही है एम्प्लॉयबल चीज मिलनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयबल फिल्डिंग के बेसिस पे अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर पाएंगे, अपना बेटरमेंट कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आप नेशन को भी बहुत कुछ दे पाएंगे। जो विकसित भारत की सोच है उसको हम लोग पा सकते हैं अगर हम सब एम्प्लॉयबिलिटी में अपना योगदान जो हमारी एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज के हिसाब से है वो कर पाए। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो इसको बखूबी कवर करती है, क्योंकि जो स्किल्स हम दे रहे हैं यहाँ पर अकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो स्किल्स की बात करी है वो बहुत ही अच्छी है। अगर पुराना एंशिएंट नॉलेज सिस्टम देते हैं तो वहाँ पर और बहुत चीज़ें मौजूद थी जो मॉडर्न टाइम्स में हमने यहाँ पर खो दिया है। जो हमारी एजुकेशन है वो आगे प्रोग्रेस तो की अकेडमिक जो कौशल विकास था उसको पीछे छोड़ दिया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसको परफेक्टली प्रेजेंट किया गया है, एंशिएंट नॉलेज सिस्टम को, इंडियन नॉलेज सिस्टम को मॉडर्निटी के साथ। ये मॉडर्निटी, ये एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम आप सबको डेफिनेटली सक्सेसफुल बनाएगा। हमारे युवाओं की जो एक समस्या आती है कि अगर अकेडमिकली भी कोई अगर सक्सेसफुल हो जाता है फिर भी वो उस सक्सेस को बहुत दिन तक मेंटेन नहीं कर पाता, या अगर फेलियर हो गया तो उसको हैंडल भी नहीं कर पाता। तो इस तरह की जो समस्याएं युवाओं के सामने आती हैं, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करेंगे एज टीचर एज स्टूडेंट इसके बेसिस पे आगे बढ़ सकेंगे, तो डेफिनेटली हम बहुत ही अच्छा भारत को आत्मनिर्भर भारत को मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। एक रिसर्च है जो यूएसए की यूनिवर्सिटी में हुई और उसमें इन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनालिटीज को कवर किया। ये जो सक्सेसफुल पर्सनालिटी
डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, कॉमर्स साइंस ग्रेजुएट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एमबीए हैं, ये सक्सेसफुल जो कैंडिडेट्स थे उनका केवल 13% बना रहे थे। तो व्हाट अबाउट द अदर 87% सक्सेसफुल पीपल, ये कौन थे? ये 87% पीपल वो थे जो एकेडमिक अचीवमेंट वाले भी थे बट लाइफ के मैनेजमेंट में बहुत अच्छे थे। लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स, लाइफ मैनेजमेंट होता क्या है? लाइफ मैनेजमेंट है आपकी जो लाइफ में अप एंड डाउन आ रहे हैं उनको आप बैलेंस कर सकते हो, उन डाउन में आप बेटरमेंट सीख करके आप गाँव में भी और आपसा में भी जो आपके साथ युवा ही फील करते हैं वो प्रक्रिया जरूर रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आप इक्विप कर लोगे खुद को, जब वो अपने टैलेंट्स और एबिलिटीज के साथ अपने आप को पाओगे एम्पावर्ड तो फिर आगे क्या होगा। इन चार लोगों में बहुत ही है, कई बार आपने सुनी होगी क्योंकि हर बार बोले हम करता है जब पढ़ते हैं कि पंक्तियाँ हैं, परिंदों को भी नहीं की जाती, परिंदों को नहीं की जाती तारीफ उड़ानों की, वो खुद ही तय कर लेते हैं मंजिलें आसमानों की, रखते हैं जो हौसला आसमानों को छूएगा उनको नहीं होती परवाह गिर जाने की। Thank you so much, ma'am. Good afternoon, all of you, my teachers, my seniors, and chair members. Very good afternoon, all of you. My topic is impact of asana pranayam on participant cardiorespiratory function in Akhand Yog Karyashala. If we are talking about introduction, yoga finds its roots. Impact of asana and pranayams on participants cardiorespiratory function in Akhand Yog Karyashala. So basically, my topic is on yoga, or we know that very well. We define yoga as a union of Atma and Paramatma. Actually, the today issue is there is 6.7 million people in America who died just because of cardiorespiratory system dysfunctions. And this research is conducted in 2023. In 2029, जो हमारा COPD है, जिसे हम chronic obstructive pulmonary disease बोलते हैं, वो world में third number पे है, जिससे सबसे ज़्यादा deaths होती हैं। अब तक 3.23 million deaths WHO ने खुद declare की हैं, और ना जाने भी कितनी होंगी जो declare नहीं हो पाई हैं, या लोगों को नहीं पता चली हैं, या जो registered नहीं हुई हैं। अब अगर हम योग की बात करें कि थ्रू बाई योग हम कैसे इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, तो योग में हमारे 84 लाख आसन से, और प्रॉब्लम ये है कि 84 लाख आसन के बारे में किसी को नहीं पता। सिर्फ स्क्रिप्चर में लिखा तो हुआ है कि वी हैव 84 लाख ऑफ आसन, बट वी डोंट नो द नेम ऑफ दैट आसन, इवन वी डोंट हैव द लिस्ट ऑफ दैट आसन। द मेन इशू इज जो यूथ है वो तो सारे ऑलमोस्ट 80% आसन कर लेता है, बट 20% आसन के लिए हमें बहुत ज़्यादा फिटनेस, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की, हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। बट एक आम जनता जो कि हमारे 40 प्लस या 30 प्लस पीपल्स हैं, वो नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर बॉडी नाउडेज बिकॉज ऑफ सैनिटरी लाइफ स्टाइल। अब अगर हम बात करें कौन से वो आसन हैं जो कि हम करें, सबसे ज़्यादा डिसाइड करना यही प्रॉब्लम होती है कि कौन से वो आसन हम करें, कौन से हमारी बीमारी के अकॉर्डिंग वो आसन हैं। नेट पे या बुक्स में बेशुमार डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न ये होता है क्या ये आसन हमारे लिए सही है, इस बात की गारंटी नहीं होती। एक ही आसन के बारे में दसियों जगह 10 बातें अलग अलग लिखी हुई है। आप नेट पे त्रिकोण आसन सर्च करेंगे तो त्रिकोण आसन आपको 2 या 3 तरीके से देखने को मिल जाएगा। प्रॉब्लम आम जनता के लिए प्रॉब्लम यही होती है कि उसको नहीं पता होता कि मेरी प्रॉब्लम के लिए ये आसन सही है या नहीं है, और कुछ इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आसन होते हैं कि वो इंसान देख कर ही डर जाता है कि मुझसे नहीं हो पाएंगे या मैं नहीं कर सकता। तो बेसिकली इसी इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉमन योग प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया। वो जो कॉमन योग प्रोटोकॉल था उसमें वो ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ आसन इंक्लूडेड किए गए जो कि कोई भी एक आम इंसान, वो मेल हो या फीमेल हो, वो बच्चा हो या बड़ा हो, उसको आराम से परफॉर्म कर सकता है। और उन आसन में ये ध्यान रखा गया कि ऑलमोस्ट आज की डेट में जो हमारी रेगुलर डिसीज चल रही हैं वो कहीं ना कहीं सारी की सारी इन्वॉल्व हो जाए उन डिसीज में थ्रू बाई उन आसन के
वो सारी चीज़ें मतलब आसानी हो जाए सभी के लिए। बट उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आई कि जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे माननीय मोदी जी ने हमारा कॉमन योग प्रोटोकॉल जो एक दिन के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए डिसाइड किया है, जिसे हम 21 जून को बनाते हैं हमारे योग दिवस के, और ऑल ओवर वर्ल्ड मोर देन 200 कंट्रीज उसको सेम डे सेम टाइम पे कंडक्ट कराती है अपने अपने सिटीज में, अपने अपने कंट्रीज में। बट द इशू इज सिर्फ एक दिन के लिए होता है। तो हमारे मतलब मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि अगर इसके सिग्निफिकेंस हम देखें कि क्या ये एक दिन के आसन को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिजिबल है, हर कोई इसको कर सकता है आसानी से, तो अगर हम इसको 2 से 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए कराएं कुछ पार्टिसिपेंट्स को, तो हमें रिजल्ट्स निकल के आएंगे कि अगर जो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आसन नहीं कर पा रहा है, क्या वो ईजिएस्ट आसन से अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी बना सकता है, अपने आप को बीमारी मुक्त बना सकता है। बस यही सोच रखते हुए कुछ पार्टिसिपेंट्स हमने चूज़ किए, जो हमारी एक अखंड योग कार्यशाला है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दिस इज द लोगो ऑफ आर अखंड योग कार्यशाला। ये हमारी अखंड योग कार्यशाला है जो कि पिछले मोर देन 680 डेज से कंटिन्यू अंटिल अनलेस, चाहे बारिश आए या तूफान आए या आंधी आए या खुशी हो, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, कोई भी सिचुएशन हो, ये कभी बंद नहीं होती, ये कंटिन्यू चलती है। आप कभी भी आकर ज्वाइन कर सकते हैं, फिक्स टाइम है 1 घंटे का, मॉर्निंग के टाइम पे आप जब दिल में आए तब आके ज्वाइन कर सकते हैं। देर इज़ नो फीस, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी और फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द सोसाइटी वी आर कंडक्टिंग दिस। इन दिस वी सेलेक्ट 20 पीपल्स और हमने उनको 3 मंथ का इंटरवेंशन दिया, जो हमारा योग प्रोटोकॉल है वो कंटिन्यू कराया, और उसको कराने के बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट्स निकल के आए। जो हमारे रिजल्ट्स थे ये आप देख सकते हैं, ये एक YouTube चैनल है जिसपे कि जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं वो अपने घर पे बैठ के हमारी वीडियोस देख के सीख सकते हैं, कर सकते हैं आसन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वहीं अलीगढ़ में आना पड़ेगा, आप जहां से चाहें वहां से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। रिजल्ट ऑफ दिस, अगर हम कार्डियो पल्मोनरी की बात करें तो हमने 4 पैरामीटर्स लिए थे, जो BP था हमारा, ठीक है, हमारा जो पल्स रेट था, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स हुए, वो प्रॉफिट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोटोकॉल, अगर हम 3 महीने से ज़्यादा उनको कंटिन्यू करते हैं तो हमारी बॉडीज़ में जो कार्डियोपल्मोनरी डिसीज़ हैं उनमें कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट मिलेगा, वो डिसीज़ हमारी बॉडी में कम हो जाएंगे या हमें हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। थैंक यू विवेक।